वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स मेरे साथ आज मनप्रीत मौजूद हैं और मनप्रीत को मैं एक कंसल्टेंसी कॉल हुई थी हमारी उसके बाद से मैं जानता था और मनप्रीत की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मनप्रीत इंडिया से हैं तो मुझे इंडियन पर्सपेक्टिव लाने का पहली दफ़ा मौका मिला अपने चैनल के ऊपर तो मैंने इनको पॉडकास्ट पर भी बुला लिया मनप्रीत का ताल्लुक दिल्ली से है ये यू से वापस आए हैं इस वक्त दुबई में जॉब कर रहे हैं लेकिन रहते अभी भी डेली में तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इनका एक पूरी जर्नी है अभी मैं इनसे आपको मिलवाता हूँ और आप इन्हीं से इनकी स्टोरी सुने सो मनप्रीत कैसे हैं आप

काफी बड़ा एक टेक्नोलॉजी इवेंट है right. जिसमें सारी टेक कंपनीज होती है प्रोडक्ट कंपनीज होती है एंटरप्रेन्योर्स हैं स्टार्टअप्स हैं कंसल्टिंग फॉर्म है, है, hmm. है. Right. तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप नेटवर्क कर सकते हो अगर आप एक जॉब सीकर हो तो बहुत सारी कंपनीज में आपका नेटवर्क बन जाता है hmm. अगर आप खुद स्टार्टअप या कोई कंपनी कर रहे हो तो आप बहुत सारे दूसरी कंपनी से मिलते हो देखते हो समझते हो तो एक एक्सपोजर मिलता है और मैं कहूँगा कि स्पेशली जो इस रीजन में है चाहे वो दुबई या आसपास के गल्फ कंट्रीज में या जो लोग इंडिया पाकिस्तान से हैं वो लोगों को तो गाइटिक्स जैसे इवेंट में आना चाहिए क्योंकि इतने बड़े लेवल के इवेंट्स बहुत ही कम होते हैं Hmm. And, uh, आजकल की जितने भीटिंग तो hmm. और यहाँ की लोकल भी होती है बहुत सारी पाकिस्तान इंडिया से आई वी कम्पनीज भी होती है जो की अपनी तरफ से जो भी डिस्प्लेज लोकल भी होती है हाँ। और एम एनसीज भी हैं स्टार्टअप भी है तो कम्पनीज का मिक्स पैक रहता है तो सब तरह की कंपनीज होती है यहाँ और बहुत रिश्ता हाँ इस दफा तो काफी रश है हाँ तो सही सही, सही तो तो, तो इसमें मतलब वैल्यू ऐड हुई है यहाँ पर जाएटेक्स में आने से जयटेक्स में आने से ये है कि हाँ आ, काफी आपको वहां पे ना काफी अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं तो कोई ना कोई आपको कंपनी या कोई ना कोई आपको बंदा अपनी फील्ड से भी रिलेटेड मिल जाएगा तो ये फायदा है सही सही, तो सही। जितने भी लोग टेक्नोलॉजी फील्ड से है क्योंकि गैटिक्स का मुद्दा ही ये है कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कंपनी आती हैं तो चाहे आप सॉफ्टवेयर में हो हार्डवेयर में हो डेटा की तरफ हो या फिर आप ऑनलाइन में हो एआई में हो क्रिप्टो में हो डिजिटल मार्केटिंग में हो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में हो हाँ

कि मैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी जर्नी एक्सेंचर के साथ स्टार्ट की थी एक्सेंचर एक बहुत बड़ी आई टी इंडिया में की थी एक्सेंचर इंडिया में हाँ तो एक्सेंचर के साथ इंडिया में मैं जॉब कर रहा था करीब मैंने साढ़े तीन चार साल वहाँ काम किया तो एक्सेंचर की जो मेरी जर्नी थी काफ़ी अच्छी थी तो वहाँ से एक एक्सपोजर मिला यू नो अब्रॉड का दूसरी कंपनीज का क्लाइंट्स का कि इंडिया के बाहर क्लाइंट्स के साथ Hmm. क्योंकि हम इंडिया से ही उनको सपोर्ट कर रहे थे तो right. लेकिन आ, उसके बाद क्या हुआ कि एक्सेंचर एक्सेंचर के साथ ही काम करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है hmm. और जो आईटी इंडस्ट्री है वो इंडिया के बाहर एक अलग लेवल पे है और यूएस इज लाइक द बिग डैडी कंट्री फॉर ऑल दी आई टी फॉर्म और एक्सेंचर भी यू नो अब्रॉड की फॉर्म है यूएस की फॉर्म है hmm. तो इसीलिए वो एक मेरा इंटरेस्ट वहाँ से जगह अब्रॉड के लिए और टेक्नोलॉजी भी पर्सन था मैं स्टार्टिंग से तो इसलिए मैंने जैसा आप सवाल कर रहे हो यूएस के अलावा मैंने और भी कंट्री सर्च की थी तो यूएस को टेक्नोलॉजी के मामले में जो कंट्री टक्कर देती है वो जर्मनी ठीक है लेकिन जर्मनी के लिए आपको भी पता होगा कि वहाँ पे आपको जर्मन सीखना मैंडेटरी है बहुत सारे सर्टिफिकेट एंड कोर्सेज आपको क्लियर करने पड़ते हैं आप उस लेवल पे हो तो ही वहाँ पे फिर आपकी लाइफ आपका जॉब आप का हाँ, मतलब पढ़ तो, तो सकते हैं जाकर हाँ, पढ़ सकते में, हैं लेकिन आपको जाहिर सी बात है, जब आप अगर आप रैंकिंग्स निकालोगे टॉप टू हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ की टॉप टू हंड्रेड यूनिवर्सिटीज में नाइन्टी परसेंट एसेंट यूनिवर्सिटीज है मोस्ट ऑफ देम यू एस में यूएस में अगर पचास स्टेट है तो पचास स्टेट की पचास अच्छी यूनिवर्सिटीज होंगी जो टॉपली रैंकड होंगी हर स्टेट की दो तीन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और 200-300 उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप आज भी टॉप हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ निकाल के देखोगे तो हंड्रेड में से एट्टी टू नाइन्टी यू की होंगी कुछ दूसरी कंट्रीज़ की होंगी और जहाँ तक अगर आप कैनेडा की बात करोगे तो मुश्किल से तीन चार उनकी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वहीं वहीं वही उनकी लिस्ट ख़त्म हो जाती है बिल्कुल तो एजुकेशन के मामले में यूएस काफ़ी आगे मैं ये नहीं कह रहा कि यूरोप में या सिंगापुर में या अदर कंट्रीज़ में ऑप्शंस नहीं ऑप्शंस हैं बट आप ऐसे सोचो कि वहाँ पे वो ही दो, वही दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहीं कुछ ऑप्शंस हैं कम्पेर्ड टू यू जहाँ की यू में अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए आपको पढ़ना है आपको एक्सपोजर चाहिए तो जरूरी नहीं है कि आपका वही एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए आपको हर स्टेट हर सिटी में कोई ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है अच्छा आ, लेकिन जो जो दूसरी कॉस्ट जो जो दूसरा फैक्टर आता है सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है बाहर जाने के लिए चाहे वो इंडिया से बंदा जा रहा हो या पाकिस्तान से जा रहा हो वो कॉस्ट का होता है तो मैं देखता हूँ यूरोप में जो लोग जा रहे होते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर कॉस्ट की वजह से जो है ना वो प्रेफर करते हैं जैसे जर्मनी में ऑलमोस्ट फ्री है एजुकेशन अब तक भी फ्री है लेकिन यूएस की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है तो उसको कैसे केटर किया था जब जा रहे थे okay. या खुद पे किया था सब कुछ तो आ, मेरे केस में Uh, मुझे ट्वेंटी फाइव परसेंट स्कॉलरशिप मिली थी ठीक है? तो यूएस में क्या है कि हर कॉलेज का जो भी आप क, uh, कि, किस एज सॉरी uh, करने, गया था, मैं करने गया, और था. किस में गया था मैंने जब मास्टर्स uh, करने के लिए जब मैंने सोचा था टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड की बात थी हुँ. तो मैं कुछ पच्चीस साल के करीब था ट्वेंटी right. right. right, right. और मैं गया टू थाउजेंड एटीन में तो जब मैं टू थाउजेंड एटीन में गया था तो, so, right. मास्टर्स करने गया था और मेरी सोच यही थी कि अगर आपको पढ़ना है और आपको और तालीम हासिल करनी है और अगर आपको अपना एजुकेशन बढ़ाना है चाहे मास्टर्स हो या रिसर्च हो या आप कोई भी यू नो फ्यूचर एडवांस स्टडीज़ करना चाहते हो तो थर्टी इयर्स के पहले आपको कर लेना चाहिए जितना भी आपको अपना कैरियर है ताकि आप सेटल डाउन होने से पहले एक्सप्लोर कर पाओ अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे लगा कि ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सिक्स राइट एज है इंडिया से बाहर मूव करने के लिए और अब्रॉड में एजुकेशन के लिए ठीक है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट इसकी इस्कॉलरशिप मिली थी हाँ, मुझे 25 की, मैं में यूनिवर्सिटी अच्छा। ये लॉन्ग आईलैंड में लॉन्ग न्यूयॉर्क का पार्ट है और न्यूयॉर्क सिटी से कुछ ये 30 था मैंने किया एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था मैंने एमबीए किया था और मैंने जो आ, मेजर लिया था वो था बिजनेस एनालिटिक्स तो एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स में किया उसका रीजन ये वो एक स्टेम कोर्स है STEM तो तो के लिए आसानी होती तो है। थे STEM, थे। uh, क्या है कि STEM आपको तीन साल का uh, post graduation plan होता है जो आपको जॉब करने के लिए तीन साल देता है after you graduate from the college. तो अगर आपका दो साल का MBA है या दो साल का कोई कोर्स है उसके फौरन बाद आप तीन साल वहाँ काम कर सकते हो अगर आप कोई नॉन स्टेम डिग्री करते हो जैसे मान लो एच में फाइनेंस में सेल्स में तो आपको सिर्फ एक साल का ही पोस्ट ओपीटी uh, मिलेगा या कुछ और होता है नहीं ये जो तीन साल का वीजा होता है आप एफ वन पे होते हो अच्छा एफ तो, वन पे पाँच तो साल का एफ वन का वीजा मिला था मुझे जिसमें दो साल पढ़ने के लिए मिलते हैं और तीन साल जॉब करने के लिए पाँच साल का वीजा होता है दो साल की आप जॉब करते हैं और सॉरी दो साल पढ़ते हैं और उसके बाद ये ये तीन साल का आपका और अगर ये लेट से आ, मैंने डिफर कर दिया किसी वजह से और एक साल पढ़ने के बाद एक साल का गैप ले लिया एक साल कम्प्लीट किया तो फिर भी पांच साल का वीजा रहेगा वीज़ा अगर मान लो आपका आ, कुछ आपने डिफ़र कर दिया या आपने कोई और कोर्स कर लिया या कुछ कर लिया तो वो आप एक्सटेंड करवा सकते हो राइट right. तो वो क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको लेटर देगी यूनिवर्सिटी आपको लेकिन लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मैंने एक कोर्स लिया दो साल का और एक साल का, तक किया उसके बाद डिफर किया उसको मैंने दो तीन साल के लिए तो मेरे पास तो पाँच साल का वीज़ा है तो मैं थोरेटिकली मैं वहीं पर काम कर सकता हूँ क्योंकि जो का जो टाइम होता होगा उसमें अगर, सकते आप? अगर, आपने किया तो आपको आपको रीजन ऐसा देना होगा कि आप कंट्री से बाहर हो आपका कोई इशू है कोई मसला है आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल पढ़ाई की और सेकेंड ईयर आपने पढ़ाई नहीं किया और वहीं रुक गए तो आप यूकी यूनिवर्सिटी फिर रिपोर्ट भेजती है और वहाँ की गवर्नमेंट चेक करती है कि आपने मिनिमम अगर आप कोई डिग्री में हो तो हर सेमेस्टर होता है वहाँ पे तो हर सेमेस्टर जो वहाँ का चार महीने का है उसमें आपने मान लो कुछ तीन कोर्सेज या कुछ क्रेडिट्स बोलते हैं तो मिनिमम कुछ दस या क्रेडिट्स लिए लिए हैं हैं कि नहीं हैं। सही तो ये ऑडिट होता है यूएस में अगर नहीं तो कोई भी जाएगा कोई आप एक कोर्स करने यूएस चले गए हाँ। और आपने वीजा ले लिया हाँ। तो वो फिर मसला हो जाता है तो वैसा वैसा वो नहीं चाहते वो चाहते कि कोई सीरियस स्टूडेंट है तो वही पढ़ने आए ऐसे नहीं कि आप एक कोर्स कर रहे हो मतलब हफ्ते में दो घंटे का और बाकी टाइम आप वहाँ काम कर रहे हो तो वो चीज वहां पे नहीं मानी जाती क्योंकि एफ वन एक, एक फुल टाइम उनका स्टूडेंट वीजा है कुछ दूसरे कैटेगरी के वीजा होते हैं जिसमें आप कोई एक कोर्स या कोई ट्रेनिंग या कोई प्रोग्राम के लिए जा सकते हो उसको जे वन या दूसरी कैटेगरीज में वो डाल देते हैं लेकिन अगर आप एफ वन पे हो तो मतलब आप वहाँ पे फुल टाइम

आपको मेरे ख्याल से अपडेट नहीं है क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा अच्छा। है जो कि दो दो महीने तीन तीन महीने के लिए भी ये कौन सा बी वन बी टू कहलाता है ना ये हाँ बी वन बी वन बी टू दो दो तीन तीन महीने के लिए भी लगाया अभी रिसेंटली

Uh, अगर मैंने एक साल किया और उसके बाद uh, एक साल बाद मैंने उसको फिर दोबारा से फॉर एनी रीज़न डेफ़र कर दिया यूनिवर्सिटी की कमीशन uh, से फॉर एनी रीज़न उसके बाद दोबारा से मैंने स्टार्ट किया तो फिर मेरे पास एक साल कम हो गया पाँच साल के वीज़ा के अंदर मैंने फिर अगले साल लेट से अपना एक साल कम्प्लीट किया तो मेरे पास तो तीन साल मैंने ज़ाया कर ज़ाया तो नहीं मतलब मेरे यूज़ हो गए अब दो दो साल साल रह गए तो वो दो साल ही फिर बचेंगे आखिर में अगर मैंने आउट जल्दी जल्दी करते हुए कर कर के बाद जो मैं आपको तीन साल का टाइम बता रहा हूँ ना उसमें वन प्लस टू वाला कॉन्सेप्ट होता है अच्छा तो पहले आपको ओपीटी मिलता है ठीक है दो साल का मिलता है मतलब आप स्टूडेंट हो तो आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया तो अब आप वहां पे कुछ ट्रेनिंग कर रहे हो कुछ जॉब कर रहे हो काम कर रहे हो हुँ. और उसके पे आपको सैलरी भी मिलेगी हुँ. तो वो मतलब ये आपने, एक, अपने फील्ड ऑफ स्टडी में अच्छा फील्ड ऑफ स्टडी में आप अच्छी से अच्छी जॉब भी ले सकते हैं आपके ऊपर है आप हाँ. ले सकते हैं एक यूएस का ये स्कीम है ताकि अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स और अच्छे टैलेंटेड लोग वहां पे आए और उनकी कंपनीज में काम करें तो

हाँ, तो वो हम और आपको 25 का हाँ, this, 25 का ऑन टॉप मुझे मिल गया था तकरीबन पचास हजार डॉलर हाँ, लगे थे राइट अगर कोई बंदा अच्छा ओके सही है तो आपके इतने और इसके ये आपने अपने फ्रंट आपके पास होने चाहिए इतने पैसे अगर आप जा रहे हैं आपके अकाउंट्स वगैरह चेक करते हैं नहीं मेरा मतलब ये अगर आप जा रहे हैं और आपने कोई प्लान है वहाँ पर आप आप जॉब जॉब कर कर लेते हैं साइड में ए, में हाँ, आप में यूएस यूएस अपने कैंपस पे कर सकते हो लीगली आप कैंपस पे कर सकते हो यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हो राइट यूनिवर्सिटी पे और जब आपकी छुट्टियाँ होती है समर्स में जब आपका एक साल पूरा हो गया तो समर वेकेशन तब आप किसी कंपनी में एज ए इंटर्न काम कर सकते हो ठीक है और मेरे प्रोग्राम में जो खासियत थी एम में तो मेरा जो आखिरी सेमेस्टर था उसमें मैं किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर सकता था जो आखिरी के चार पाँच महीने थे तो मेरा मेरा जो एमबीए था वो एम बी एप एम मतलब आप किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम भी कर, सकते हो जिनका यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप हो ठीक है तो उस तो उसमें यानी कि आप फिर भी थोड़ा बहुत सस्टेन कर सकते हैं अपनी सारे पैसे तो नहीं बना मैं ये कहूंगा कि आप जो भी यूएस में थोड़ा बहुत आप एज ए स्टूडेंट आप कैंपस पे काम करोगे उससे बस आपका रहने का खर्चा निकल सकता है जो आपको बेसिक रहने का आठ सौ हज़ार डॉलर जो भी बेसिक आपका यू नो लिविंग कॉस्ट है वो निकाल सकते हो लेकिन वो ऐसा वो इतने पैसे नहीं होते हैं कि जिससे आप अपनी फीस भी निकाल लो आप अपने बाकी खर्चे भी निकाल लो तो इट्स इट्स लाइक अ पार्ट टाइम मनी एक तरह से वो पार्ट टाइम इनकम है लेकिन ये जरूर है कि हाँ आपने वेट करना है ये अपना कोर्स पूरा यानी कि ये पैसे जो फीस के, तो के, तो के पैसे आप लोन लेके आओ स्टूडेंट लोन, लोन इंडिया से तो ले ले हाँ। लोन आप इंडिया से पाकिस्तान से या यूएस में भी मिलते हैं लेकिन इंडिया में स्टूडेंट लोन का क्या रेट होता होगा कम होता है या नॉर्मली होता है जो जो नॉर्मल बैंक के रेट जैसे आपने घर लेना है घर पे मान लो अगर आठ से दस परसेंट का इंटरेस्ट है हाँ। तो स्टूडेंट पे भी वो वही चार्ज कभी हैं कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मार्केट रेट के हिसाब से कि उस समय मार्केट क्या चल रही है और कोई उसमें रिलैक्सेशन भी नहीं होती है कि स्टूडेंट ले रिलैक्सेशन ऐसा है कि देखो वो कॉमन है कि अगर आप किसी सरकारी बैंक से किसी गवर्नमेंट बैंक से आप लोगे तो थोड़ा एक का फर्क होगा किसी प्राइवेट से आप लोगे तो वो लोन आपको मिल इजीली जाएगा लेकिन फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी बोलें कि डेफर करवाना है तो उसमें कोई रिलैक्सेशन हो ऐसा नॉर्मली नहीं होगा नहीं कुछ उसके टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको इतने टाइम पे पे आउट करना है तो सही 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 तो आपने फिर ये आप इस तरह से कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हैं अब आते हैं हम कि आपने फिर जॉब की उसके बाद अच्छा उससे पहले आपको 25% की स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिली थी आ, मेरे आ, जो एक्सपीरियंस था एक के साथ अच्छा और जो मैंने जीमैट एग्जाम दिया था आपको अगर इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है अलग-अलग कंट्रीज में तो यूएस में दो एग्जाम्स होते हैं जो आपको देने होते हैं दो में से कोई एक तो एमबीए के लिए जो सबसे नोन एग्जाम है वो है जीमैट ठीक है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक है और एक एग्जाम और होता है जीआर ठीक है जो यूजुअली टेक्निकल कोर्सेज में ज्यादातर जाना है तो उसके लिए यूज होता है और इसके अलावा एक इंग्लिश का टेस्ट होता है आइल्स ठीक है आइल्स या टॉफे आप दोनों में से जो भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है आप उसको दे सकते हो सही है तो इन टेस्ट के स्कोर के बिहाफ पे और क्योंकि मैं इंडिया में ऑलमोस्ट साढ़े तीन साल काम कर चुका था जॉब एक्सपीरियंस उसको देखते हुए मुझे पच्चीस परसेंट मिला लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको पचास परसेंट तक भी मिला है क्योंकि उनका स्कोर मुझसे ज्यादा था

तो वो बीस पच्चीस कर सकता है कि इतना मिल जाएगी उसको एक्सपेक्ट कर सकता है कंडीशन ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ चेक करें जो स्कॉलरशिप देती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ okay. होती हैं जो हंड्रेड परसेंट स्कॉरशिप भी देती हैं right. और कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो जीरो परसेंट जो बहुत ही रेयर स्कॉलरशिप देती हैं एग्जाम्पल uh, दूंगा कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी है हाँ. मुझे वहाँ से भी कॉल आई थी हाँ. बट वहां स्कॉलरशिप थी नहीं right. तो उनकी जो फीस है आपको वही पे करनी है ओके okay. उस पे तो मतलब ये आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं और वो हाँ। स्कॉलरशिप खुद दे रही है अच्छा ये खुद दे रही होती है या कोई थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप्स की एसोसिएशन ये है? आपने एक अच्छा सवाल पूछा तो जो स्कॉलरशिप्स होती हैं मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज खुद दे रही होती है लेकिन कभी कभी कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है और आप बाहर से भी गवर्नमेंट है कुछ एजेंसीज हैं कुछ कंपनीज हैं उनको भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो वो भी डाइवर्सिटी बेस्ड होती है कि गर्ल्स के लिए अलग अलग कंट्रीज के लोगों के लिए अलग अलग इतने सिटी के ऊपर तो ये right. ये भी ये भी चीजें हैं। ओके okay, अच्छा आप आते हैं उस पॉइंट पर के आपने जब ये फिनिश कर लिया अपना अपने दो साल में खत्म कर लिया था मैंने तकरीबन बीस महीने में कर लिया था जिसमें सोलह महीने मेरा कोर्स का टाइम था हुँँ. और आखिरी के चार महीना इंटर्नशिप ट्रेनिंग थी बेसिकली राइट right. ओके okay, तो खत्म करने के बाद फिर जॉब कैसे मिली मिल मैं, मैं डेढ़ साल में कम्पलीट कर लिया था और आखिरी जो मेरे चार में, पाँच महीने थे तो वो आखिरी चार महीने मैंने इंटर्नशिप की थी क्योंकि मई ट्वेंटी ट्वेंटी में मेरा ग्रेजुएशन था तो जो इंटर्नशिप थी वो तो यूनिवर्सिटी के हेल्प से मिल गई थी यूनिवर्सिटी और मैंने भी अपने एंड से ट्राई किया था तो वो मिल गई थी एंड uh, उसके बाद लेकिन क्या था ग्रेजुएट होने के बाद तब थोड़ा मसला आ गया था क्योंकि मैं ग्रेजुएट हुआ था कोविड के टाइम पे क्योंकि कोविड स्टार्ट हो गया था मार्च 2020 हाँ। में तो वो काफी मसला था मार्केट भी डाउन थी लोगों की भी इफेक्ट हुई थी और हम जैसे जॉब ने, 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 हाँ। स्टूडेंट को लेना कम कर दिया था हाँ। और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट के लिए होते थे जैसे अमेजोन गूगल इन सबके स्टूडेंट प्रोग्राम्स होते वो बंद हो गए थे कोविड की वजह से क्योंकि ऑफिसेस जाना नहीं था तो इस रीजन से तो मुझे तो अगर मैं आपको बोलू तो मैं जॉब सर्च मैंने जनवरी फेबररी से ही स्टार्ट कर दिया था और ग्रेजुएशन मेरा मई में, में था और जितना मुझे ध्यान है मई से लेके अगस्त तक का जो टाइम था वो तीन चार महीने मेरे जॉब सर्च में गए थे अच्छा सही आ, तो इतना टाइम लग गया था जॉब सर्च कितना मई से लेकर मई से लेके अगस्त के बीच में ये तीन महीने तो मेरा ग्रेजुएशन थर्टी वन को था मुझे याद है कि मेरी फर्स्ट जॉब ट्वेंटी फोर को लगी थी अच्छा ठीक है और

टाइम पे चेक आए थे और जब बाइडन आए थे तब भी क्योंकि कोविड टू स्टार्ट हो गया था ट्वेंटी वन में तब भी एक चेक आया था अच्छा इसमें कितनी आ, आ, कितनी मतलब तो वैलिडिटी है कुछ लोग कहते हैं कि जब आपका स्टेटस कुछ इस तरह का हो कि स्टूडेंट वीजा हो आपका या आपका ग्रीन कार्ड ना हुआ हो मेरे एक दोस्त है जिसका ग्रीन कार्ड प्रोसेस में था तो वो कह रहा था कि मैं इस तरह के चेक्स लेने को अवॉइड करता हूँ या मैं अप्लाई नहीं करता क्योंकि फिर वो बाद में जब आपको आपका केस जाता है एक्चुअल में तो वो फिर नज़र आता है कि आपने वेलफेयर वेलफेयर तो नहीं कहेंगे इसको जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है ये बेसिकली आपने गवर्नमेंट की सपोर्ट ली एक तरह से तो ये ऐसा है कि आप ना लें तो बेहतर रहिए नहीं आप हर साल अगर टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो अगर मैं अगले साल फिर रिटर्न भर रहा हूँ तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि पिछले साल मैंने स्टिमुलस के बेनिफिट लिया हुआ है

हाँ मेरी अगस्त में लगी थी फर्स्ट और कहाँ लगी थी आ, मेरी दो जगह जॉब लगी थी तो एक्सेंचर का एक्सपीरियंस काम आया था मतलब एक्सेंचर का एक्सपीरियंस मुझे काफी काम, काम आया था, ना? था। हाँ। तो मैं मैं, 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 लोगों को पर... यही बोलता हूँ कि जो आपका पहला अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना मेरा भी आज तक जो मेरा पहला अच्छा एक्सपीरियंस है ना वो आज तक मुझे काम आता है हालांकि वो पंद्रह साल पुरानी बात हो गई लेकिन वो आज तक मुझे काम आता है अगर आप ये वीडियो बीइंग एन एक्सपर्ट देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैं एक ऐप इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इस ऐप का नाम है टैप टैप सेंड अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसको यूज करना शुरू किया और मुझे बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऐप लगी तो मैंने कहा अपने चैनल के ऊपर भी मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाऊ मेरे पास बैक होम पैसे ट्रांसफर करने के लिए दो ऑप्शन थे एक मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अपने बैंक के थ्रू डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर कर दू जिसका सबसे बड़ा मसला यह था कि उसके अंदर मुझको रेट्स अच्छे नहीं मिलते थे और दूसरा यह था कि मैं एक्सचेंज हाउस जाऊँ और वहां से फिजिकली पैसे ट्रांसफर कर

ऑन द गो आप अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं मैंने सिर्फ हंड्रेड दर्म ट्रांसफर किए थे एक्सैक्टली exactly जो अमाउंट मुझको ने बताई थी उतनी ही अमाउंट मेरे पास अपने अकाउंट के अंदर पहुंचे हैं और इसके अंदर एक बहुत मज़े की चीज़ है अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो उसमें आपको अगर आप यूएई से ट्रांसफर कर रहे हैं तो 25 फाइव देना तो आपको एज अ रेफरल बोनस मिलेगा अगर आप यूके आयरलैंड यूएस या यूरोप में किसी और जगह से जगह से ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट टेन यू डॉलर टेन पाउंड या टेन यूरो के करीब आपको एक रेफरल बोनस के अमाउंट आपको मिल सकती है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है आप बीइंग एन एक्सपर्ट पूरी दुनिया में कहीं भी हो आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं तो इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है प्रोमो कोड है वली कमेंट के अंदर भी मैंने लिख दिया है उसको जाके अपने पैसे बहुत आराम से ट्रांसफर करें और विद इन फ्यू मिनट्स आपको अपने पैसे अपने अकाउंट में नजर आ जाएंगे नाउ लेट्स गेट बैक टू दीडियो तो मेरे केस में भी ऐसा ही था कि जो मेरी पहली कंपनी थी एक्सेंचर हाँ। जिसमें मैंने काफ़ी लंबा काम किया तो उसमें जो सीखा वहाँ जो काम किया तो मैं इसलिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं कज़न सबको यही बोलता हूँ कि जब आप बैचलर्स कुछ कर लेते हो ना बी कॉम इंजीनियरिंग या कोई भी कोर्स आप इंडस्ट्री में कम से कम तीन चार साल काम करके देखो दो तीन साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर से बंदा उठा और उसने कभी शक्ल भी नहीं देखी ऑफिस की और कभी कभी उसने प्रोफेशनल काम नहीं किया और मास्टर तो सीधा मास्टर्स कर लिया और जब तक वो पच्चीस छब्बीस साल का हुआ उसने लाइफ में कोई काम नहीं किया और, और सीधा ऑफिस कल्चर अच्छा, में अच्छा इसमें मैंने ये गलती की थी आ, मैंने ये गलती की थी कि मैं अपने मास्टर्स को फॉरन मैंने कुछ खैर अपने कुछ अपने स्टंट्स थे वो भी किए थे लेकिन मैंने अपनी फॉरन बैचलर्स के बाद मैं यूके चला गया था मास्टर्स के लिए और वो मुझे लग रहा था कि काफ़ी बड़ी गलती थी मेरी क्योंकि मुझे थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस लेके मैं जाता तो वो मुझे वहाँ हेल्प भी करता अपनी पढ़ाई में भी और अपनी जॉब में भी जॉब सर्च में भी और फिर इवेंचुअली जॉब में भी तो मैं जब वापस आया पाकिस्तान तो मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा था दोबारा से तो मेरे मेरे मैं जिसके साथ कम्पीट कर रहा था वो मेरे ही जूनियर्स है जिनके साथ मैं कम्पीट कर रहा था तो वो एक छोटा सा अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली जैसे आपने किया के दो तीन चार तो साल मेरा व्यू पॉइंट ये है कि आ, अगर आप यूएस या यूरोपिया या अपने होम कंट्री से बाहर जा रहे हो इंडिया पाकिस्तान से तो अच्छा रहेगा कि आपने प्रोफेशनल यू नो जर्नी कुछ दो तीन चार साल कुछ काम किया है और उसके बाद आप जा रहे हो वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप इंडिया पाकिस्तान में रह रहे हो और आपको बाहर जाने का एम्बिशन नहीं है तो मे बी शायद आप वहीं पर रह के अपना मास्टर्स भी जल्दी कम्प्लीट कर सकते हो लेकिन अगर आपको बाहर जाना है तो यूनिवर्सिटीज और वहाँ की जो कंपनीज़ है वो आपका पुराना एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड चेक करती हैं यू नो तो वहाँ पे बहुत काम आता है कि आपने पहले कहाँ काम किया क्या काम किया क्या एक्सपीरियंस था क्या बैकग्राउंड था तो राइट तो फिर पहली जॉब कहाँ लगी थी पहली जॉब मेरी दो कंपनीज में लगी थी और उसमें से मैंने ज्वाइन की थी शेयरवुड बुड पार्टनर ये एक फाइनेंस फॉर्म ही थी कैलिफोर्निया बेस्ड थी और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ

फिर आ, बीच में मैं ट्रेनिंग के लिए एक और कंपनी में चला गया था कुछ टाइम के लिए क्योंकि यूएस में क्या होता है एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे कि नाइनटी डेज का आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड मिलता है ठीक है तो उस पीरियड में या तो आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लो या ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो या आप अपनी यूनिवर्सिटी में किसी के अंदर कुछ आप कुछ पार्ट टाइम या कुछ कुछ जॉब ज्वाइन कर लो अच्छा। ता, 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 अगर आपको सैलरी नहीं भी मिल रही है तो भी क्योंकि आप 90 डेज से ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूएस में नहीं रह सकते अदरवाइज वो आपका वीजा इंपैक्ट करेगा और आपको यूएस छोड़ के कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा सही और तो, यही चीज में भी होती है ये चीज एच वन में भी होती है तो एच वन में भी जब फायरिंग होती है या आपने सुना होगा की यू नो सिल्कन वाली में मसला हो गया ले ऑफ हो गया तो वहां पे फिर लोगों के पास एच वन बी में सिर्फ सिक्सटी डेज होते हैं दूसरी जॉब खोजने के लिए तो यहाँ पे क्या है कि कि इसीलिए यूएस में काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज़ भी हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं इन केसेस इन में कि अगर आपके ले ऑफ हो जाए तो 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 उसको टाइम टाइम गुजारने गुजारने के के लिए के लिए तो, हाँ। आ, आ, अच्छा फिर जो जॉब थी वो वही बिजनेस एनालिटिक्स और इस तरह की डोमेन के अंदर ही थी हाँ तो बिजनेस एनालिटिक्स डेटा सो तो मैं बेसिकली मैंने जो एक्सेंचर में, में मेरा प्रोफाइल बिजनेस एनालिस्ट का ही था और यूएस में क्योंकि मैंने एम भी कर लिया तो साथ में थोड़ा मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स ये चीजें जुड़ गई और कुछ और टेक्नोलॉजीज मैंने विद टाइम सीख ली तो उसके बाद फिर ये कब तक चली गई वाली जॉब तो ये जॉब मेरी ट्वेंटी वन तक चली थी अच्छा हाँ और ट्वेंटी वन में मुझे आ, मैंने क्योंकि उस समय मैं साथ के साथ जॉब सर्च भी कर रहा था तो मैंने जॉब सर्च हमेशा चालू रखा क्योंकि यूएस की मार्केट डायनेमिक है तो प्रोजेक्ट्स और काम क्योंकि यूएस में क्या है कि जितनी जल्दी हायरिंग होती है फायरिंग भी होती है तो आपको हमेशा अपने टोस्ट पर रहना होता है यस। तो टू में मुझे डेल के साथ अपॉर्चुनिटी मिली अच्छा तो मैंने उनको ज्वाइन किया बट ये एक कॉन्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी थी तो ये लॉन्ग टर्म नहीं थी बट डेल एक अच्छी कंपनी है और वहाँ पे से अच्छा ऑफर था तो मैंने डेल ज्वाइन किया उसके बाद सही तो वो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मिल गई पहली यू की तो वो सही पैसे वाली भी होगी मतलब मैं अज्यूम करता हूँ कि वहाँ की जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती हैं जी है। देखिए मेरी जर्नी ऐसी रही कि जब मैं आ, पहले इंटर्न था जो मेरी पहली इंटर्नशिप लगी थी जो ट्रेनिंग भी थी तब मुझे डॉलर डॉलर मिलते थे सही है। तो मैं वो में बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो पहली जॉब थी लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं मार्केट में गया मैंने देखा तो समझ में आया कि पंद्रह सौ डॉलर तो कुछ।, कुछ भी नहीं है ना के बराबर है और उसमें भी दो सौ डॉलर टैक्स कट जाता था पंद्रह डॉलर पे भी दो सौ डॉलर टैक्स कट बिल्कुल अच्छा हाँ

Uh, इस पर भी बात करते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो इनफैक्ट uh, मैं बताता हूँ टू में हमारे ऑफिस के कुछ लोग uh, जब मैं नोकिया सीमेंस में होता था तो उस ज़माने में काफ़ी लोग यू गए थे इंडियन भी गए थे पाकिस्तानी भी गए थे पाकिस्तानियों को विद इन आई थिंक वो एल वन वीजे पर सारे के सारे गए थे तो सबको जो है वो विद इन आई वुड से दो से तीन साल के अंदर मैक्सिमम uh, तीन चार साल के अंदर uh, मेरे ख्याल से उनका ग्रीन कार्ड हो गया था बल्कि शायद पहले ही हो गया था लेकिन जो इंडियंस थे उनके साथ वो टू थाउजेंड तक चले थे और कुछ लोगों का फिर जाकर हुआ था कुछ का फिर भी नहीं हुआ था और फिर वो कहीं कनाडा चले गए थे कहीं तो एक ये मसला वहाँ पर है जो मैंने इंडियंस के साथ खास तौर पे देखा है तो वो क्या सिनेरियो बनता है जब इंडियंस और पाकिस्तानियों के दरमियान या किसी और नेशनालिटी के दरमियान अगर आप कंपेरिजन करें तो ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो एक का ज़्यादा होता है और दूसरे का कम होता है हाँ तो ग्रीन कार्ड कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एंड आई थिंक हर किसी भी कंट्री के लिए वो सेवन से ज़्यादा कैप उसके उससे ज़्यादा नहीं हो सकती उन्होंने कैप रखा हुआ है तो इंडिया चाइना ये ऐसी कंट्रीज है जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है तो इनके वहाँ पे स्टूडेंट्स इनके जो लोग एच वन बी पे हैं या एल वन पे हैं तो वो भी काफ़ी यू नो आप समझो कि काफ़ी लाखों लोग हैं वहाँ पे यू नो यू नो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल है जो वहाँ पे हैं फील्ड में तो हाँ, जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो लोग भी ज़्यादा है तो इंडिया के चाइना के लोग भी ज़्यादा है यूएस में तो इस रीज़न से Uh, उनको यू नो पंद्रह साल बीस साल पच्चीस साल भी लग जाते हैं या अगर आप एक आजकल का एवरेज देखो तो जितना टाइम होता है उतना तो लाइफ स्पैन नहीं है इंसान का जीने का हाँ, जितना... मतलब आप कब तक, तक आप वेट करते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका कार्ड हो जाए और फिर उसके बाद आप... क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग में भी और अगर आप कंपेयर करो छोटी कंट्रीज से क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप कंपेयर करोगे तो फिर भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इंडिया चाइना है और मैंने और स्टूडेंट्स देखे जो नेपाल से है बांग्लादेश से है और कुछ छोटी कंट्रीज से हैं तो इन कंट्रीज के लिए फिर भी दो तीन चार साल के पीरियड में ग्रीन कार्ड मिल जाता है हुँ, तो हुँ, ये लोग अगर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या वहां पे पढ़ रहे हैं तो सही तो ये, ये तो चांसेस तो, है कम्पेयर टू इंडियंस ठीक है ये तो ग्रीन कार्ड की बात होगी लेकिन इवन फॉर एच वन भी मसला आता है नहीं एच वन तो सेम है वो लॉटरी बेस्ड है उस पे प्योर लॉटरी पे आपके लक के ऊपर है कि आपका अगर एच वन लग रहा है तो आप वहाँ पे एच वन बी पे छह साल काम कर सकते हो और अच्छा एच वन पे भी बात करते हैं तो जब आ, जब ये ये सिनेरियो हो गया था आ, वो पांच साल का वीजा होगा का, का कर लिया था हुँ. और मेरे साथ मसला ये था कि टू थाउजेंड ट्वेंटी में कोविड आ गया था हुँ. और उसके बाद जो दो साल थे मेरे दोनों चांसेस में मेरा एच वन बी निकला नहीं लॉटरी में तो लॉटरी में मेरी कंपनी ने नाम डाला था एच वन बी के लिए सो माई कंपनी फाइल्ड स्पॉन्सरशिप बट अनफॉर्चुनेटली आई डि नॉट गेट पिक तो उसमें आया नहीं तो एच वन में जब मेरा आया नहीं नाम तो दोनों दफा नहीं आया तो मेरा पाँच साल का वीजा कम्प्लीट हो गया और, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता मैंने फिर उसके बाद मैंने और आगे पढ़ाई नहीं कर दी थी आपके पास ऑप्शन ये बचता कि या तो आप फिर से कोई मास्टर्स डिग्री करो तो फिर आपको एक साल और मिलेगा या फिर आप पीएचडी प्रोग्राम करो जो एक लंबा प्रोग्राम है सही तो लेकिन मुझे और पढ़ने का आगे मन नहीं था और मुझे एक्चुअली 2023 में यूएस में ले ऑफ बहुत थे मार्केट डाउन थी इकोनॉमी खराब थी तो मुझे एक वायबल ऑप्शन नहीं लगा कि मैं अपने पॉकेट से फिर कुछ पचास साठ हजार डॉलर लगाऊ और फिर एक साल वेट करूँ और फिर जॉब करूँ या फिर मैं साथ के साथ भी वहाँ पे एक चीज़ होती है अगर आप सेकेंड मास्टर्स करते हो तो डे वन ओपीटी मिल जाता है पहले दिन से आप जॉब कर सकते हो लेकिन मैं जब कॉस्ट कंपेयर कर रहा था कि मैं साठ हज़ार या पचास हज़ार डॉलर या अगर आप मान लो कोई आप छोटे डिग्री कॉलेज या को छोटे कॉलेज में भी जाओ तो भी तीस चालीस हज़ार ऑन एन एवरेज आप आराम से फीस पे कर दोगे बीस पच्चीस न्यूयॉर्क में कम से कम न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क के आसपास न्यू जर्सी में आपका रहने खाने का खर्चा है और बेसिक कुछ खर्चे और होंगे तो सत्तर हजार डॉलर आप लगा दोगे आपकी जॉब अगर आ, आपने हंड्रेड थाउजेंड भी अगर आपने ऑन एन एवरेज आपने कमा लिया उसमें तीस हजार डॉलर टैक्स चला गया सही तो आप उसको नेगेट नहीं कर पा रहे हो आप प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हो तो तो मेरे फाइनेंशियल एनालिसिस से मुझे ये लगा कि इट वुड बी बेटर कि अगर मेरे को कोई और कंट्री मिल जाए तो मेरे दिमाग में अलग अलग कंट्रीज आई जिसमें से दुबई एक बैकअप था तो और अनफॉर्चुनेटली मेरा एच भी नहीं लगा तो मैंने सोचा कि एज़ अ बैकअप इट्स बेटर कि मैं दुबई में जॉब कर लूँ अच्छा इससे पहले दुबई की स्टोरी पे आने से पहले जब जब यू जा रहे थे इंडिया से उस टाइम पर यह पता था कि ये वाला इशू आ सकता है जब मैं यू जा रहा था ये चीज़ पता थी अच्छा। कि तीन साल का ही ओ पी टी होता है हाँ। और अगर एच वन भी नहीं लगता है या अगर आगे फ्यूचर में जॉब नहीं होती है तो इंडिया वापस आना पड़ सकता है उस समय मैंने दुबई या किसी और कंट्री का तो नहीं सोचा था हाँ। बट ये चीज पता थी क्योंकि जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा था तो मैंने ये सोचा था कि यूएस में एजुकेशन अच्छी है यूएस में आईटी के लिए टेक्नोलॉजी के लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छी है इसीलिए मैंने कनाडा और कोई और कंट्री का भी नहीं सोचा क्योंकि तो वहाँ आपकी जो जॉब मार्केट है कम्पेयर टू यूएस उतनी नहीं है और यूएस में आप जितना पैसा कमा सकते हो यूएस में आप जितना एक्सपोजर दे सकते हो शायद आप किसी और कंट्री में ना ले पाओ सही है तो आ, मतलब मैं तो अभी भी जो, जब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ जाना चाहिए बाहर के लिए तो मैं यू को लीस्ट प्रायोरिटी देता हूँ और उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो है ना उसमें इवेंचुअली मैंने जितने लोगों को भी देखा है

एट अ पॉइंट हमें शायद वापस आना पड़ेगा माइंड में क्लियर रहे तो आप ये सोच के जाओ कि एज अ स्टूडेंट आपको एक अच्छी कंट्री मिल रही है तीन साल के लिए वर्क अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें आप इनकम भी काफ़ी जनरेट कर लोगे सेविंग्स भी कर लोगे अपना वहाँ पे तीन साल जॉब करके अपनी फीस भी निकाल लोगे और फिर भी आप और कमा सकते हो लेकिन अगर मैं इस चीज़ को कंपेयर करूँ कैनेडा से और कैनेडा में अगर आप यही स्टोरी अपनी कैनेडा में स्टार्ट करते और आपको क्योंकि दो साल बाद वहाँ पर आपको पॉइंट्स वहाँ तो पॉइंट सिस्टम होता है ना तो दो साल बाद आपको वहाँ के पॉइंट्स भी मिल जाते जो और साथ में अगर आपको जॉब क्योंकि आपको बाद में एक टाइम के लिए वर्क परमिट भी मिलता है जो थोड़ा सा टाइम आप काम कर सकते हैं तो वो आप काम भी कर लेते हैं वंस वो कर वो हो जाता तो आपको तो फिर वहाँ पॉइंट्स इतने मिल जाते हैं कि कैनेडियन पीआर की तरफ आप चले जाते हैं तो पांच हाँ, छह साल के अंदर आपके पास पासपोर्ट जब आ जाता है तो फिर आप इजीली कौन सा वीज़ा होता है जो यूएस जा सकते हैं हाँ? नहीं मैं PN... PN... समझ रहा हाँ. देखो कनाडा जाने का मतलब है कि आप कान अगर आपको अगर आपको कनाडा से यूएस जाना है हाँ. विच मीन्स कि आप कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ के फिर ऐसे पकड़ रहे हो पूरा घूम के आ रहे हैं हाँ रूल यही है तो उसमें क्या है कि पहले आप कैनेडा जाओगे वहाँ पे या तो पीआर लेके जाओगे या तो स्टूडेंट की तरह जाओगे और काम करोगे तो पहले आप तीन चार साल वहाँ पे रहोगे और वो, वो आप यूएस ऐसे नहीं जा सकते कुछ पाँच साल आपके निकल जाएंगे तीन से पाँच साल का प्रोसेस है और वो पांच साल के बाद आप यूएस जा सकते हो बिल्कुल पाँच साल आप पहले कैनेडा में वेट करोगे फिर आप यूएस जा सकते हो हमारे में अगर हम स्टूडेंट की तरह या एच वन या एल वन पी ऐस चले गए तो हम यूएस डायरेक्टली चले गए वहाँ पाँच साल रह लिया वहाँ का हमने एक्सपीरियंस ले लिया फिर हमारी मर्जी है कि हम यू एस के बाहर कैनेडा या कोई और कंट्री जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते सही। और बात क्या है कि मैं कैनेडा उनको रिकमेंड करता हूँ या कोई दूसरी कंट्री जिनको क्लियर है कि उनको कभी इंडिया या पाकिस्तान अपने कंट्री वापस नहीं जाना और जिनको क्लियर है कि हमें पूरी जिंदगी रहना ही कैनेडा में है लेकिन जिन लोगों को अच्छे करियर ऑप्शन के लिए जॉब के लिए पैसों के लिए और ग्रोथ के लिए जाना है तो उनके लिए यूएस बेटर है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप इनके अलावा वहां पे कुछ है नहीं वो कम्पलीटली बैरन लैंड है बिल्कुल खाली बंजर जमीन है में। वहां पे बिल्कुल ऐसी है, 70 मतलब... आप में पॉपुलेशन नहीं रहती है बिल्कुल जो मेरे दोस्त कैनेडा गए और जो सैलरी स्ट्रक्चर बताते हैं खासतौर पर जो लोग दुबई से गए तो वो तो Uh, जो नॉर्मल कैनेडियन सैलरी स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरह से दुबई से कंपेयर तो छोड़ दें यू एस से तो छोड़ दें दुबई से भी कंपेयर नहीं कर सकते मैं आपको बताऊँ मैं किटिक्स भी गया था मैं जो भी दुबई में दो तीन साल से देख रहा हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी वाइट लोग ब्रिटिश लोग काफ़ी यूरोपियन लोग दिखेंगे दुबई में क्योंकि रीजन यही है कि दुबई की जो सैलरी है तो उसमें टैक्स नहीं है तो जितना आप यू के या कनाडा में कमा सकते हो उससे आप ज़्यादा ही दुबई में कमा लोगे और दुबई का आपको ही पता होगा कि यहाँ पे सिटीजनशिप के ऊपर भी सैलरीज मिलती है तो अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री या कनाडा का सिटीजनशिप है आपके पास तो आप दुवाई दुवाई मैं कमा सकते एक हो। तो ये कि ये थोड़ी सी अब मिथ हो गई है कि आपको सिटीजनशिप पर मिलती है सिटीजनशिप पर मिलती है लेकिन उसकी बहुत सारे और रीजन होते हैं जैसे ट्रेवलिंग में बड़ा आसानी हो जाती है अगर आपके पास बाहर का पासपोर्ट है दूसरा जो है ना स्किन कलर पर भी मिलती है सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बाहर का पासपोर्ट है आपकी स्किन कलर क्या है वो भी एक फैक्टर प्ले करती है और अब जो है ना दुबई बहुत कॉम्पिटेटिव भी हो गया है तो अब अगर आपके पास कोई स्किल ऐसी है जो कि किसी गोरे के पास है और आपके पास है तो ये आपको हायर कर सकते हैं गोरे को छोड़कर क्योंकि गोरे के पास फिर ये होता है ना थोड़ा सा वो बा, बात करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है थोड़ा सा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं तो उस केस के अंदर वो चीज़ चली जाती है लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है पास मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि पासपोर्ट कितना जरूरी है कितना नहीं है हाँ वो एक एक है उसके अंदर एक हद तक है लेकिन वो आप खुद अगर अपने स्किल्स डेवलप कर लें तो वो उस चीज को मतलब किट कर सकते हैं बिल्कुल सही आई मीन कैनेडा उनके लिए बहुत अच्छा है जो अलग अलग कंट्रीज में भी रहना चाहते हैं हुँ। तो जो मान लो कनाडा से यूएस जा सकते हैं कनाडा से दुबई आ सकते हैं और कनाडा का अगर किसी को सिटीजनशिप मिल गई तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कनाडा में सिटीजनशिप ले ले, कुछ साल पाँच साल रह ले और उसके बाद वो दुबई में हो जाए और कैनेडन और दुबई में टैक्स फ्री इनकम कमाए क्योंकि फिर उनको कनाडा को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है साठ साल की उम्र के बाद फिर वो कनाडा चले जाएगी हूँ हु, तो एक, एक लोग दुबई और कैनेडा के बीच में काफी राग, राग, अच्छा तो लेकिन ये यूएस में नहीं है क्योंकि यूएस की अगर आपने सिटीजनशिप ले ली तो आप वर्ल्ड में आप कहीं भी रहो इंडिया आपको टैक्स देना ही पड़ेगा वहाँ की की लिमिट है उसके ऊपर अगर आप होते हैं तो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी हो आपको टैक्स फिर देना पड़ता है बिल्कुल तो, तो वो वो पॉइंट है और यूएस एक और मुल्क है पूरी दुनिया में एक आई थिंक अफ्रीकन कोई नेशन है जहाँ पर भी इसी तरह का रूल है कि आप कहीं भी दुनिया में आपको टैक्स उस कंट्री में देना है बिल्कुल तो अच्छा तो फिर अच्छा जब यू एस से काम खत्म हो रहा था तो फिर दुबई मूव हुए या पहले से कोई जॉब वॉब मिल गई थी दुबई की नहीं मैं जब यू एस से मेरा कम्प्लीट हो गया तो मेरे पास उसके बाद फिर मैं जॉब सर्च कर रहा था दुबई में तो मैं हमेशा अपना लिंकडिन अपडेट रहता हूँ तो आपको वर्ल्ड में कहीं भी जॉब चाहिए किसी भी कंट्री में तो आपको लिंकडिन अपना प्रोफाइल अपडेट रखना चाहिए राइट तो मैंने लिंकडिन पे अपनी दुबई की एक प्रोफाइल बनाई हुई थी जिससे मैं दुबई के रिक्रूटर्स को और दुबई पे और भी वेबसाइट्स हैं इंडीड है कुछ वेबसाइट्स और है यहाँ की मॉन्स्टर है तो जहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल अपडेट करके जॉब सर्च कर रहा था और यहाँ के रिक्रूटर से मेरी रेगुलर बात हो रही थी तो दुबई में मैंने जॉब सर्च दुबई का एक्चुअली मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में भी आया था दुबई के टेक्स के लिए तब से ही मैंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट और यहाँ की जॉब सर्च करना स्टार्ट कर लिया था लेकिन जब मेरे को पता चल गया कि अब मेरा एच वन बी नहीं लगा है, सही और अब मुझे यूएस छोड़ना पड़ेगा तब मैं काफ़ी सीरियसली मैंने काफ़ी मेहनत करके जॉब सर्च स्टार्ट की तो मुझे अप्रैल में जब यह क्लियर हो गया कि मेरा एच वन बी नहीं लगाया तो मैं उसके बाद मैंने जॉब सर्च स्टार्ट की और जुलाई में मैंने दुबई में जॉब स्टार्ट कर दी थी तो दो दो से तीन महीना अच्छा। थी तो और मुझे का वीजा जब मुझे पता चल गया कि मेरा वीजा नहीं हो सकता और मुझे वहां पर रहना नहीं है मैंने कर लिया था। तो अप्रैल से मैंने स्टार्ट कर दिया था दुबई में जॉब सर्च करना जबकि मैं दुबई में नहीं था उस वक्त पे मैं यूएस में था बट मैं यू नो अपना ऑनलाइन मैंने सर्च चालू किया और उस बिहाफ पे काफी इंटरव्यूज दिए मैंने अच्छा ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बताया था कि लेंगडन की प्रोफाइल दुबई के लिए अलग बनाई हुई थी और यूएस की प्रोफाइल अलग बिल्कुल आ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भी लोग जिस भी कंट्री में है एक तो आप अपनी जहाँ पे आप काम करते हैं जिस कंट्री में हो उसकी प्रोफाइल रखें और दूसरी अगर आपको मान लीजिए दुबई कैनेडा इंडिया पाकिस्तान किसी और कंट्री में काम करना है उस लोकेशन की प्रोफाइल सेपरेट रखिए क्योंकि होता क्या है जो रिक्रूटर्स हैं वो देखते हैं कि आप किस कंट्री में हो या किस सिटी में हो तो जहाँ की आप जॉब चाह रहे हैं मान लो आप यूएस में हो लेकिन आपको जॉब दुबई की चाहिए या मान लो आप दुबई में हो आपको जॉब कनाडा की चाहिए तो आप दुबई की प्रोफाइल से करोगे तो रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल नहीं देखेगा क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ अच्छा। पहले मेरी यूएस की प्रोफाइल से मैं अप्लाई करता था लेकिन वो लोकेशन देखते कि ये बंदा दुबई के बाहर है तो वो कभी आपको ईमेल में जवाब नहीं देंगे वो आपको कभी मैसेज नहीं करेंगे आपको कॉल नहीं करेंगे। सरी. इस रीजन से मेरे को का एक लोकल भी लेना पड़ा, ताकि उनके से, से दुबई का जो सिम का मसला है जो सारे लोग मुझे कहते हैं ये तो सिक्सटी डेज के अंदर बंद हो जाती है उसका क्या किया फिर नहीं आ, मैंने आपके बात सही बंद हो जाता है इसमें दो चीजें थी एक तो मैंने उस पर व्हाट्सएप अपना चालू कर लिया ठीक है व्हाट्सएप और बॉटिंग आप चालू रख सकते हो ठीक है वो मैंने चालू कर लिया के एटलीस्ट वो नहीं भी लग रही होगी तो वो मुझे पे या कहीं और आउट कर लेंगे। सही। और दूसरी चीज़ कि मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का नंबर नंबर लिया हुआ हुआ था, था दुबई 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 में 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 जो में काम करते में रहते हैं, हैं, रहते तो वो उनका नंबर भी दिया था साथ एज एन लो या आपके कॉन्टैक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोग जो है ना इसको समझते नहीं है इम्पोर्टेंट होता है दोस्त बहुत हैं तो बड़े अच्छे दोस्त है वो इस तरह से सिंह किए हुए थे तो फिर आपको यहाँ से फिर ऑफर आ गई जॉब की फिर मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हुए मैं एक्चुअली काफ़ी दफ़ा मैंने इंटरव्यूज़ दिए 2021 में भी दिया था और बीच में भी और इस साल तो मैंने सीरियस होकर इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी तैयारी करके तो आ, मुझे कुछ तीन चार कॉल्स आए उसमें से दो जगह से मुझे ऑफर आ गए तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए और उसमें से फिर एक ऑफ़र मुझे अच्छा आ गया यू you नो know, जो मेरे फील्ड के था मेरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था मेरे एक्सपीरियंस पे था जिसको मैंने एक्सेप्ट करके फिर ज्वाइन कर लिया ठीक है तो अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो जो ऑफर थी वो भी दुबई बेस्ड कंपनी की थी लेकिन उनका रिक्वायरमेंट नहीं थी आपको कि आप दुबई में रहें हाँ वो आप अभी अपने, अपने... हाँ तो मैं रिमोट रहता हूँ देखिए रिक्वायरमेंट ऐसी होती है दुबई में मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि दुबई में अगर आपको टैक्स रेजिडेंट बनना है और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो रिमोट कर रहे हो या फ्री हो या आप ऑनलाइन काम करते हो तो तो यहाँ पे आप 90 डेज़ रहो और फिर वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में रहो तो ये आप टैक्स फ्री हो जाते हो फिर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं और आप दुबई के रेसिडेंट कंसिडर हो और अगर आप दुबई में आपके पास रेसिडेंट वीज़ा है तो आपको छः महीने में सिर्फ एक बार आने की दरबार दरकार है अच्छा ये ये जो बात कर रहे हैं ना आप ये पाकिस्तान के लिए नई इंप्लीमेंट होती है उसका मैं रीज़न बताता हूँ छः महीने वाली बात तो सही है क्योंकि छः महीने अगर आपका रेजिडेंस वीज़ा लगा हुआ है

आपने नहीं, के लेकिन आपको में वो अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग लेकिन वो आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे और उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा क्योंकि आप पाकिस्तानी रेजिडेंट है अगर मैं आपको बताऊं अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट है आप कंप्लीटली रेजिडेंट है पाकिस्तानी और आपकी एक इनकम आ रही है लेट से दुबई के किसी अपार्टमेंट से जो रेंटल में आ रही है उस रेंटल में, देना में चेक करना मैं श्योर नहीं अपने से। हाँ। लेकिन अगर आपने वो मसला तब होगा कि मान लो जैसे इंडिया में ऊपर का कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो पांच लाख से ज्यादा की आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना है उसकी स्लैब बनी हुई टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट लेकिन आपने मान लो वो दुबई की रेंटल इनकम आपका यहाँ पे फ्लैट है प्रॉपर्टी है वो आपने दुबई से निकाली ही नहीं बाहर

वहां की दुबई की इन, आ, रेंट से इतनी आई है और आपने डिक्लेयर की वो चीज तो उस पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो आप एज अ रेजिडेंट है पाकिस्तानी रेजिडेंट है और आपकी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि बाहर है

राइट right, तो एनी तो आप फिर आ, आपको जॉब फिर मिल गई दुबई में बिल्कुल आ, तो आपने आपको उन्होंने फिर यही कहा कि आप भले दुबई में रहें या आप इंडिया में रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी रहें तो हाँ तो क्योंकि आ, मेरे केस में क्या ये एक स्पेशल केस है देखिए दुबई में आज के डेट में रिमोट जॉब्स बहुत ही कम है बहुत ही कम कंपनीज है जो काम करना अलाउ करती है ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल पे लेकिन क्योंकि मेरी कंपनी जो आईटी टी है टेक्नोलॉजी है हमारा जो क्लाइंट है वो यूएस में है तो क्लाइंट के लिए दुबई हो इंडिया हो पाकिस्तान हो सब सेम है क्योंकि उसके लिए टाइम जोन फर्क पड़ जाता है उनका टाइम अलग है यहाँ का टाइम अलग है और वो कभी दुबई नहीं आने वाले मीटअप के के लिए लिए, लिए या वो इंडिया नहीं आने वाले तो उनके लिए कोई बंदा इंडिया हो या दुबई हो सिर्फ डेढ़ घंटे का फर्क है तो ज्यादा कोई मसला नहीं है तो आपको आपके यूएस के एक्सपीरियंस ने फायदा किया जॉब के लिए बिल्कुल किया क्योंकि अभी भी मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ यूएस में वो बहुत बड़ा क्लाइंट है मैन्युफैक्चरिंग में तो उस तो इसमें काफी हेल्प हुई क्योंकि ऑलरेडी मेरा यूएस में पांच साल में रहा वहां है अच्छा कल्चर की बात आती है तो अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा वर्क कल्चर की तो आपने काम कर लिया इंडिया में भी आपने दुबई में भी एक तरह से किया हाँ और यूएस में भी किया वर्क कल्चर किस तरह से डिफरेंस क्योंकि आई वुड से वर्क कल्चर पाकिस्तान और इंडिया का

या अगर आप साइंटिस्ट हो या अगर आप किसी भी फील्ड में हो जो कॉम्पिटिटिव है तो, तो अगर आपने आप आवाज उठाई तो उन आपकी जगह उन रिप्लेस करने के लिए सौ बंद और अगर आप इंटरव्यू भी देने दे जाओ एक पोजीशन अगर इंडिया में खुलती है या पांच पोजीशन तो उसके लिए पचास हजार बंदा बाहर तैयार है उसके लिए तो इंडिया में एक तो अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है अच्छे पैसा बहुत मिलना है और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जो आपका वर्क प्रेशर है और जिस तरह से बोलते है ना कि मजदूर की तरह जो ये जितनी भी जॉब्स हैं तो ये बिल्कुल पढ़े लिखे एकदम लेबर्स की तरह हैं जो काम कर रहे हैं जबकि इसका ये मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया में आ, काम खराब है आज के डेट में जितना भी काम यूएस से या यूरोप से आ रहा है सबके बैक ऑफिस इंडिया में बने हुए हैं आई टी पूरा हब अभी आज के डेट में इंडिया है सबसे अच्छे स्किल्ड और एडवांस्ड लेबर भी इंडिया में ही है लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं उसके पास पे उनको पैसे नहीं मिल रहे पैसे उसकी तो अगर वो आधी भी मेहनत अगर दुबई या यूएस या किसी और यूरोपियन कंट्री में जाके करेंगे तो वो तो पैसे टेन टाइम्स कमा सकते हैं और उनको तो यू नो उतने उतनी देर तक या उतने दिन काम नहीं करना पड़ेगा आप... इंडिया में तो ऐसे भी केसेस में आपको बताऊंगा मुझे पाकिस्तान का आइडिया नहीं वो आप बता सकते हो कुछ लोगों को शनिवार जैसे सैटरडे सैटरडे भी जॉब करनी पड़ती है कुछ कंपनीज में या उनको वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है हाँ, क्योंकि उनका काम पूरा नहीं होता क्योंकि क्योंकि अब काम पूरा नहीं होता वो तो प्रोडक्टिविटी नहीं हाँ, है ना उस तरह से जब भी तो काम पूरा नहीं कर पा रही है कंपनी की गलती है ये कि वो हाँ, लेकिन हाँ, जो सैटरडे वाला है वो तो बहुत सारी कंपनीज में कॉमन है लेकिन संडे भी लोग बुला लेते हैं वीकेंड आपको नहीं देते इस तरह से तो ये ये मसले कल्चर बहुत है वहाँ पे वहां पे आपको बॉस रात को आठ बजे दस बजे तक रोक लेगा चाय पीने के लिए दो घंटे लोग चले जाते हैं जैसी कंपनी में भी ऐसा होता है वहाँ पर इंडिया एक, में जैसे में एक्सेंचर जैसी कंपनी डिपेंड करता है आपके मैनेजर और क्लाइंट पे पे क्लाइंट क्लाइंट और तो मैनेजर डिपेंड करता है क्लाइंट कैसा है आपका मैनेजर कैसा है आप किसके साथ काम कर रहे हो अच्छी टीम्स भी होंगी जहाँ पे आप टाइम से काम कंप्लीट करो और चले जाओ किसी को कोई दिक्कत नहीं और ऐसे लोग भी होंगे जो आपको पता है ना कि वो लाले की दुकान पे चाय पीते हुए चार घंटा गप मार रहे हैं तो ये चीज है कि वहां पे मसला ये है कि लोगों का बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है

बिटवीन इंडिया पाकिस्तान और बाकी दो कंट्रीज़ का यूएस और यूएई को कंपेयर करें वो तो मुझे आपका रिस्पॉस एक्सपेक्टेड था लेकिन अगर कंपेयर करें यू का और यू का जो कि मुझे आइडिया नहीं है यू का थोड़ा बहुत मैं जितने लोगों से सुनता हूँ वही मुझे है मुझे आइडिया है कि जैसे यूरोप का कनाडा का डिफरेंट वर्क कल्चर है यूएस का डिफरेंट वर्क कल्चर है और उसको कंपेयर करें यू से तो वो भी डिफरेंट है तो यूएस और यू को अगर कंपेयर करें तो वो कैसा है देखिए यूएस का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है यूएस में घंटों के हिसाब से काम होता है हर घंटे की वैल्यू है कि आपको हर घंटे के कितने फिक्स डॉलर मिलते हैं दुबई में अभी भी घंटों के हिसाब से काम नहीं होता यहाँ भी जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग है या कंसल्टिंग है वो डे के हिसाब से होती है तो फिर अगर आपने बोल तो दिया कि आप नौ घंटे काम कर रहे हो लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आप बारह भी कर सकते हो दस भी कर सकते हो और यहाँ पे क्या है कि दुबई में वर्क लोड और वर्क प्रेशर ज्यादा है यूएस में ऐसा है कि अगर फ्राइडे के आपके पाँच बज गए हैं आप अपना लैपटॉप बंद करो अपने ऑफिस से निकल जाओ अपना लॉग आउट उठाने जाओ, की जरूरत भी नहीं आपको कोई कॉल उठाने की जरूरत नहीं कोई नहीं। मेल नहीं कोई कुछ नहीं आपसे सीधा मंडे सुबह नौ बजे के बाद ही मैसेज किया जाएगा फिर आ, आप कौन हो मैं कौन हूँ आपको कोई नहीं जाता एक बार आप ऑफिस के बाहर तो वहीं आपका कंप्लीट हो जाता है हाँ। लेकिन दुबई में क्या है कि थोड़ा कल्चर ऐसा है कि आपको अगर आप पे वर्कलोड है काम है और ये इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है अगर आप आईटी में हो अच्छी इवेंट्स में हो तो शायद आपने अपना काम पूरा कर लिया हो और सबसे में हो हमें तो लगता है, कि जो भी है मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि वो तीन चार पांच बजे बंद हो गए लेकिन बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं शटर डाउन होने के बाद भी वो आठ आठ बजे तक काम करते रहते हैं बिल्कुं। अंदर बिल्कुं। ऐसी तो है? जो हकीकत यही है बैंकिंग यूएस में ऐसा नहीं है यूएस में अगर बैंक ने अगर लिख दिया चार बजे तो उनके बंदे पंद्रह मिनट पहले ही गेट बंद कर देंगे आपको अंदर नहीं घुसने देंगे और चार बजे घड़ी देखते ही वो निकल के हाँ, उनका बजे का मतलब ये है कि हम चले जाएंगे हाँ, से तो उससे पहले वो बंद कर देंगे हाँ, उसके पंद्रह मिनट पहले बंद कर देंगे और चार बजे होंगे तो चार बजे अगर आप देखोगे तो बैंक का गेट बंद होगा और उनके एम्प्लॉय जा चुके होंगे चार बज के एक मिनट पे भी आप अगर आप देखोगे अंदर तो कोई मिलेगा नहीं सही थोड़ा सा ये मुझे डिफरेंस लगता है यू में तो खैर ऑफकोर्स आप सही कह रहे हैं यू का डिफरेंट है लेकिन जो यू अगर कंपेयर करें कैनेडा और यूरोप से तो मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा से जो हायरिंग फायरिंग के रूल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्सड हैं यू के अंदर आप ए, एक हफ्ते के या दो हफ्ते के नोटिस के ऊपर आप फायर हो सकते हैं लेकिन यूरोप में थोड़ा सा मुश्किल होता है या कनाडा में थोड़ा सा मुश्किल हाँ, होता है यूएस में ऐसा है कि वो आपको कुछ दो हफ्ते की इनकम देके आपको फायर कर सकते हैं चाहे आपकी परमानेंट जॉब हो चाहे किसी चाहे परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो मैं इसलिए मैंने यूएस में फुल टाइम जॉब भी किया कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी किया मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा कल्चर के टर्म्स पे क्योंकि उनको अगर आपको फायर करना है तो आपको इमीजिएटली बोल सकते हैं जाने के लिए अगले हफ्ते से मत आना बिल्कुल ऐसी है बल्कि मैं एक दो लोगों को बताता भी हूँ कि मैंने शुरू में अमेरिकन कंपनी में काम किया फिर उस अमेरिकन कंपनी को एक यूरोपियन कंपनी ने एक्वायर किया तो मुझे जो डिफरेंस लगा ना वो वह कि मैं अमेरिकन में भी एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था और यूरोपियन में भी मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था लेकिन जो डिफरेंस मुझे लगा जो अमेरिकन कंपनी थी वो कॉन्ट्रैक्टर और परमानेंट स्टाफ को बहुत इक्वल तरीके से डील कर रही थी लेकिन जो यूरोपियन कंपनी थी वो जो कॉन्ट्रैक्टर और जो आपका परमानेंट स्टाफ था उसको बड़ा डिफरेंट तरीके से डील कर रही थी जो परमानेंट स्टाफ था उसके काफी पर्कस थे जो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी इज्जत नहीं थी उस तरह से जो यूरोपियन कंपनी थी लेकिन अमेरिकन को मैंने देखा हर तरह से वो इक्वल ट्राई करी थी ठीक है आपकी अमेरिकन कंपनीज में जो उनके लेबर लॉज है वो सबके लिए बराबर सब है कल्चर हाँ। हाँ। सबके लिए बराबर है हाँ। बस अमेरिका में होता ही है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हो तो अगर आप छुट्टी लोगे तो जॉब जितने घंटे आप काम नहीं कर रहे हो उसके आपकी सैलरी नहीं मिलेगी जितने घंटे आप काम कर रहे हो उसकी सैलरी मिलेगी अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉई हो तो कुछ आपको छुट्टी मिल जाएगी जो अभी आपकी पेड लीव होती है पंद्रह बीस दिन साल की जो भी है हर कंपनी का अपना टर्म्स है अगर कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने साल की अगर बीस छुट्टी की है तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे बट आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने ऑलरेडी अपने पैसे उस हिसाब से लिए होते हैं कुछ बीस परसेंट तीस परसेंट ऊपर कि अगर आप एक महीना नहीं भी काम कर रहे हो साल में तो भी आपके पैसे यू नो तो, you know, फुल टाइम के बराबर ही आपको मिल जाते हैं राइट तो इतने टाइम में जो इंडियंस और पाकिस्तानीज मैं तो काम करता रहा हूँ पंद्रह साल से तो आपका क्या इंट्रैक्शन रहा पाकिस्तानियों से सर पाकिस्तान के मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं और क्योंकि क्रिकेट के वजह से भी रहे हैं एजुकेशन की वजह से भी रहे मैं दुबई आया मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ तो मैं काफ़ी पाकिस्तानी से मिला हूँ और मेरे दो अच्छे दोस्तों कराची से ही है अच्छा एक मेरा फ्रेंड है रमजान अच्छा अच्छा जो सिंध से है और वो मेरे साथ ही पढ़ा मतलब हमारे कोर्स अलग थे वो एमबीए में था

मतलब आपके इंडियन जो होते जो होते होते होंगे 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 पाकिस्तानी वो मिलते सच मैंने देखा है कि आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं या इंडिया से बाहर निकल जाएं तो वो जो मसले होते हैं मीडिया की वजह से आप जैसी एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठोगे ना चाहे न्यूयॉर्क की टैक्सी हो हाँ, या दुबई की टैक्सी हो हाँ, आपको अगर आप इंडियन हो तो आपको पाकिस्तानी कोई ना कोई मिली जा मिल जाएगा तो सही जैसे अब अपने देश से बाहर आओगे हाँ। तो ये अब मिलोगे सोशल मीडिया की वजह से भी दोनों तरफ एक ही खाया है क्योंकि सोशल हाँ। मीडिया की वजह से ही हाँ। जो लाहौर में जो घर है और आपको पता होंगे जो इंडिया के कुछ एरियाज है और जो क्योंकि पहले पंजाब एक ही था और जो मेरी फैमिली भी थी 1947 के पहले वो लाहौर से और रावलपिंडी से ही सारे मूव हुए थे दिल्ली और इंडिया में पंजाब में अलग अलग, अलग जगह right. तो बेसिकली पंजाब सारा एक था इधर सिंध भी जो था वो भी एक था वो राजस्थान और गुजरात से उनका बॉर्डर लगता है तो राजस्थान से आई थिंक बॉर्डर लगता है हाँ। तो वो वो सारा कल्चर एक जैसा ही है तो जो पंजाबी कल्चर है वो सिंधी कल्चर है जो सौ साल पहले था आज भी वही कल्चर है बस वो डिवाइड हो गया है रिलीजन के बेसिस पे और कंट्री के बेसिस पे नहीं तो कल्चर वही है फूड वही है सब कुछ है। वही है लहजा वही है पहनावा भी वही है हाँ। uh, मुझे लगता था कि जो मेहंदी की सेरेमनी है वो सिर्फ इंडिया, इंडिया में होती होगी अच्छा। और यू you नो know, हिंदू या सिख कम्युनिटीज में होती लेकिन मैं अपने दोस्त की शादी में गया पाकिस्तान के मेरे दोस्त बने तो मैंने देखा कि अरे मेहंदी की रस्में और वो जो एक शादी से पहले का दिन होता है और जो टाइम होता है वो रस्में पाकिस्तान में भी होती है असल में कम्बाइंड मुझे लगा की ये कल्चरल चीज है जो चीज है शायद कल्चर की वजह से शुरू से ही

कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर लेट से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं वीडियोस बनाता हूं तो मुझसे पूछते हैं कि यार हमें एप्पल में इन्वेस्ट करना है हमें अमेज़ॉन में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन पाकिस्तान में रहते हुए सच नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम कोई उसका वॉक अराउंड ढूंढे कोई और किसी तरह से बैंक अकाउंट खोल ले या वाइस का अकाउंट खोल ले इस तरह के अकाउंट्स खोल लें तो हमारे पास ऑप्शन बनता है कि हम किसी और बाहर की जगहों पर इन्वेस्ट कर दें अदरवाइज अगर हम देखें कि हमारे बैंक अकाउंट्स हमें ट्रांसफर करने ही नहीं देते बाहर पैसे लेकिन इंडिया के केस में मैंने देखा था कि आप पैसे ट्रांसफर कर सकते अगर हाँ, टैक्स टैक्स कोई बड़ी हाँ। अमाउंट आपको भेजनी है तो वो ट्वेंटी तो मैं भी यही कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी इसको इस तरह से कर लेना चाहिए कि अगर आपको उससे क्या होगा फायदा कि आपका जो दो नंबर तरीके से पैसा जा रहा है वो एक नंबर तरीके से जाएगा और वो रिकॉर्ड में आ जाएगा बिल्कुल राधर देन जिसको भेजने ना पैसे वो इन एनी केस भेजेगा वो छोड़ेगा नहीं वो उसको फिर ट्वेंटी परसेंट लगे या टेन परसेंट लगे या फाइव परसेंट लगे वो इन एनी केस भेज रहा होगा जैसे इंडिया के अंदर उन्होंने एक लीगल रूट बताया हुआ है अगर आज आपको अपना घर बेचकर पैसे लेकर आना है दुबई में तो आप इंडिया से कर सकते हैं ये काम आपको पता है कि एक करोड़ रुपए के ऊपर आपको लेट से बीस लाख रुपए देने पड़ जाएंगे बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान में मेरे पास ये काम करने का कोई तरीका नहीं है अनलेस एंड अनटिल मैं इलीगल तरीके की तरफ जाऊँ तो वो या फिर और इंडिया में तो आज के डेट में फिनटेक्स है काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली यू में इंडिया से आप इन्वेस्ट कर सकते लेकिन अगेन उस पर वो रूल इम्प्लीमेंट होगा जो टी वाला होगा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी हाँ। कोई स्टूडेंट के लिए आप कोई फीस नहीं पे कर रहे या बिल्कुल वो रूल इम्प्लीमेंट होगा बट बट ऐसे ऑप्शन हैं कि आप अपने इंडिया के अकाउंट से फॉरेन कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और इंडिया में भी ऐसे कुछ ऐप्स आ गए हैं ऐसे भी ऐप्स आ गए जिसमें वो आपको टैक्स नहीं देना होगा वो इंडियन ऐप्स है तो अच्छा, पैसा इंडिया में ही है तो वो अच्छा, कुछ अच्छा। चार्ज ले, ले लेते हैं दो या तीन परसेंट अच्छा, का मान अच्छा, लो हाँ, वो कर, करेंसी कन्वर्ट करने का जैसे यहाँ पे बर, आपने बराका है, बराका है, है, बराका हाँ, है हाँ, तो वैसे कुछ ऐप्स इंडिया में भी आ गए हैं जो आपको यूएस के आ, और स्टॉक में और ऑप्शंस देते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करो और आपको तो आप अगर इंडिया में रहते हुए मेरे पास इंडियन पैसे पड़े हुए और मैं मैं चाहूँ की मैं

आप मान के चलो कि तो दो क्योंकि चार तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है हाँ नॉमिनल ही है हाँ। बट वो लेते हैं बट क्या क्या, क्या मसला है मैं कई बार एक दूसरे टॉपिक पे हम बात करें कि कि अगर आपने दुबई में पैसे रखे हैं और अगर आप दुबई में रेजिडेंट हो या दुबई में हो तो आप सरवा या बराका या इन ऐप आप से आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में अगर आपने मान लो दस लाख का आपको प्रॉफिट हो गया यूएस की मार्केट कैपिटल गेन कैपिटल गेन हो, तो हो गए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा पड़े बिल्कुल तो 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 क्योंकि आपने वो इनकम आपकी इंडिया में में हुई हाँ। ये, ये चीज तो मैं लोगों को कहता हूं कि भाई यूएई आए ना हाँ। तो पूरा फायदा उठाए इस, इस जगह से क्योंकि इस जगह का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है आप इधर टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बिल्कुल टैक्स फ्री भले आपकी प्रॉपर्टी के की प्रॉपर्टीज में हो चाहे आप इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो या अगर आप यूएस में भी हो आप यूएस में अगर आप कोई भी चीज अगर आपकी कुछ भी इनकमिंग है कहीं से भी आपकी कोई भी इनकम सोर्स है आपको टैक्स देना ही पड़ेगा

यूएस के हिसाब से आई yeah, थिंक मुझे एग्जैक्ट परसेंट नहीं पता 5 है 10 है कुछ कुछ है कि लग, बट लगता लगता यू आई का जो फायदा है ना वो लोग पूरी तरह से नहीं उठाते या लोगों को पता नहीं होता या लोग उस तरह से करना नहीं चाहते अपने दिमाग में चल रहा होता है यहाँ पर आके लोग वो लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका होता है खर्चे बढ़ चुके होते हैं तो इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच नहीं रहे होते हालांकि यहाँ पर आकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये होनी चाहिए कि आपका जितना भी टाइम गुजर रहा है आप इसके अंदर कैपिटलाइज करें अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटलाइज़ करने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं सारे टूल्स अवेलेबल हैं चाहे आप यूए की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे यहाँ के किसी लैट से जो प्रॉपर्टी टैक्स है या यहाँ के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ या यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ पूरी दुनिया खुल जाती है यहाँ पर आने के बाद और युकर? टैक्स फ्री खुलती है तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो जो लोग भी यू आते हैं तो मैं कहता हूँ कि उनको समझना चाहिए अच्छा यार एक चीज़ मैंने जो देखी है पाकिस्तान के अंदर तो जिसको भी देखो ना इस वक्त निकलने की सोच रहा है पाकिस्तान से आई थिंक सेफ्टी पॉलिटिकल क्राइसिस हाँ बहुत सारे रीजनज हैं हाँ और ये मैं सबको ये बोलता हूँ कि यार ये एक फेज़ है ये जाहिर सी बात है इस वक्त प्रॉब्लम है लेकिन हो सकता है अगले पाँच साल के अंदर जो है ना चीज़ें स्टेबलाइज हों लेकिन ये इस वक्त तो है मसला तो लोग निकलने के लिए कर रहे हैं अगर लेकिन स्टार्ट देखें तो आपको पाकिस्तान में जब आप देखते हैं प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनली देखते हैं अगर कैनेडा की इमिग्रेशन के स्टार्ट देखें तो उसमें प्रोपोर्शन देखें तो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स का इतना ज़्यादा नहीं है जितना से इंडियन इमिग्रेंट्स का है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर उसको एडजस्ट कर दें फिर भी है तो वहाँ क्या सिचुएशन है इमिग्रेशन की लोग जा रहे होते हैं ज़्यादा सोच रहे होते हैं जाने की देखिए इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग बहुत अच्छा हो चुका है आखिरी टेन टू फिफ्टीन ईयर में बहुत डेवलपमेंट हुई है तो पहले के मुकाबले जब हर बंदा यू नो पंजाब से या दिल्ली से या यू नो गांव पिंड से हर बंदा उठ के जा रहा था यूएस कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब वो चीजें कम हो चुकी हैं और कोविड के बाद से तो बहुत कम क्योंकि आज के रेट में पहले के मुकाबले इंडिया में लोगों की इनकम फिर भी बढ़ चुकी है तो आप मान के चलो कि इंडिया में लोग यू नो पचास हज़ार लाख रुपए कमा रहे और आजकल क्या है कि पहले की, प्रॉब्लम क्या थी कि फैमिली में एक बंदा ही कमाता था लेकिन इंडिया में एजुकेशन इतनी ज़्यादा है हर स्टेट में कि अब लड़कियां भी एजुकेटेड हैं बच्चे भी एजुकेटेड हैं सब एजुकेटेड है तो फैमिली में हाथ बढ़ गए कमाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो अगर आप पर per पर्सन भी अगर आप यू नो पचास से एक लाख का देख रहे हो और चार लोग की फैमिली है हर कोई अगर कर रहा है तो दो से तीन लाख का ऑन एन एवरेज एक फैमिली इंडिया में कमा रही है क्योंकि एवरी तो दो तीन लाख रुपए इंडिया में एज अ फैमिली अगर आप कमा रहे हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो इंडिया में क्या है कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हो दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोलकाता हैदराबाद या किसी बड़ी सिटी में तो लोग वहाँ काफ़ी खुश हैं अपनी जॉब से और अपने उनका पीस ऑफ लाइफ है जो कमा रहे हैं इंडिया से वही लोग बाहर जाना चाहते हैं जिनकी या तो जॉब सेटल नहीं है या जो पढ़ना चाहते हैं या जो जिनको जाना है। एक क्लैरिटी या जो किसी छोटे गाँव पिंड से हैं जिनको जो कुछ पाँच दस हज़ार रुपये भी नहीं कमा रहे तो अगर कोई दस हज़ार भी नहीं कमा रहा है और वो यूएस कनाडा जाके के चार पाँच लाख रुपए महीने का कमा लेगा जिसकी पॉसिबिलिटी इंडिया में नहीं दिखती है तो ऐसे लोग जाना चाहते हैं सही और जो लोग आप समझ लो कि जो उतने एजुकेटेड नहीं है वेल well क्वालिफ़ाइड नहीं है जिनकी इंडिया में जॉब्स नहीं है या अच्छे बिजनेस नहीं है तो उनको लगता है हम यहाँ रह के कुछ अचीव नहीं करेंगे हमारे बच्चों की एजुकेशन कैसी होगी हम खर्चे कैसे निकालेंगे तो वो लोग बिलीव करते हैं इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज में जाने का अच्छा आ, मतलब मैंने ये देखा है कि यहाँ पर भी जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो हर तरह के लेवल इनकम लेवल के ऊपर हैं और वो जो जो भी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं उसमें टाइम तो लगता है ट्रिकल डाउन होने में जैसे आपने बताया कि दस पंद्रह सालों के अंदर इंप्रूवमेंट आई है तो अब वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली हाँ। हो रही हैं और वो लेकिन जो अभी भी काम कर रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं चाहे वो मतलब वन थाउजेंड वाले भी काम कर रहे हैं टेन थाउजेंडर्म वाले भी काम कर रहे हैं, ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड 30000 फोर्टी 40000 दर्म हर लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो uh, uh, मैं ये मतलब देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं अच्छे पैसे वाले भी हैं ना वो भी असल में उनका वो प्रॉब्लम है थोड़ा सा क्योंकि इंडिया में शायद बहुत अच्छे पैसे जिनको मिल रहे हैं वो ना सोचे जाने का क्योंकि वो उनको एक तरह से रीसेट करनी पड़ती है अपनी लाइफ रीसेट है वहाँ पे उनके टाइज है रिलेटिव हैं फ्रेंड्स हैं फैमिली है आपका एक रहने का एक मोहल्ला है आप अपने घर से अपने एरिया से अटैच हो आपकी अगर इनकम आ रही है आपकी एक सोशल लाइफ है सबसे बड़ी चीज है सोशल लाइफ और जो वेस्ट में नहीं है जो आपको सोशल लाइफ जो इंडिया पाकिस्तान में मिलती है और थोड़ी बहुत दुबई में भी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे कल्चर सेम है वो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं मिलेगा वहाँ बहुत ही लोनली लाइफ है तो तो, तो तो, ये बहुत एक मसला है वहाँ पे सही इमिग्रेशन तो ऐसा टॉपिक है जो मेरे चैनल के ऊपर तो बहुत चलता है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पूछ लिया था लेकिन आ, मुझे अभी बताया था कि आपने कि आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी भी ली थी तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट किया देखिए मैंने दुबई में किया था इसलिए इन्वेस्ट किया एक तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका रेंटल या इन्वेस्टमेंट जो है वो टैक्स फ्री है और दूसरी चीज ये कि दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज के डेट में वर्ल्ड का लीडर है तो जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो अच्छी क्वालिटी की बनती है छोटे से छोटा डेवलपर या बिल्डर भी दुबई में अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग बनाता है यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो यहाँ की और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो टाइम पे तैयार हो जाती है मटेरियल क्वालिटी अच्छी है और अगर आप कॉस्ट कंपेयर करोगे ना आज के डेट में अगर आप एक मिलियन डीरम ले रहे हो तो एक मिलियन डीरम में आपको दिल्ली या मुंबई में अच्छा घर नहीं मिलेगा जो दुबई में मिल जाएगा तो दुबई अगर आप एक्चुअल में देखो तो इंडिया की टॉप सिटीज से महंगा नहीं है मुंबई दुबई से ज्यादा एक्सपेंसिव है गुड़गांव दुबई से ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट देखोगे और सस्ता पड़ेगा आपको अगर मुंबई से कंपेयर करें कम्पेयर हो सकता है आप ये सही कह रहे हो क्योंकि मुंबई में बिल्कुल भी लैंड नहीं है जगह ही नहीं है और और यूएस भी बहुत एक्सपेंसिव है तो उसके मुकाबले में कह रहा हूँ लेकिन यूएस में आप न्यूयॉर्क को कंपेयर करोगे अगर आप चले हैं तो वो फिर। ये भी बात है मैं न्यूयॉर्क को मैं बड़ी सिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ दुबई को लंदन से न्यूयॉर्क से दिल्ली से या कराची से या यू नो मुंबई से बड़ी सिटीज से कंपेयर करूंगा सिंगापुर से मैं दुबई को मान लो कोई छोटी सिटी है दुबई अभी भी मेरे ख्याल से चीप है अगर आप वैसे देखेंगे ना हाँ। लोगों को महंगा लगता है लेकिन तो से से इंडियन रुपीज में मान लो अगर यू नो अगर मान लो दो हजार डिम पर स्क्वायर फीट हो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इंडिया में वही चीज पच्चीस की होगी तीन की होगी दिल्ली में या गुड़गांव बिल्कुल ऐसी फिर उसके ऊपर क्या है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी बनाते हो तो वहाँ पे फिर आपकी जो रजिस्ट्री होती है इंडिया में जिसको यहाँ डीएलडी बोलते हैं वो भी इंडिया में छह से सात परसेंट है जो यहाँ पे चार परसेंट है।, है और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊँ जो मुझे लगता है जो इंडिया पाकिस्तान और दुबई का फर्क है दुबई की एक रेपुटेशन है यहाँ पे अगर आपको कोई बिल्डर कोई चीज दिखा रहा है कोई साइज दिखा रहा है कुछ क्वालिटी दिखा रहा है कंस्ट्रक्शन है वो मेंटेन होगी इंडिया के जो मैंने घर देखे अगर बिल्डर आपको कुछ बोल रहा है एक तो वो तीन साल में कंप्लीट नहीं होंगी ठीक है वो आपसे बहुत बड़े बड़ी वादे करेंगे और वो वाले कहावत हो जाएगी कि, कि, कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो दिखाएंगे कुछ और और निकलेगा कुछ और दुबई में आपको जो बता रहे हैं जो दिखा रहे हैं उन्नीस बीस का इतना भी लिटिल डिफरेंस भी नहीं होगा आपको बेटर ही मिलेगा उससे कम नहीं मिल सकता बिल्कुल और दूसरी चीज क्या है कि इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है मटेरियल अच्छा नहीं और कंस्ट्रक्शन डिले बहुत होती है तीन चार साल के प्रोजेक्ट होंगे छह साल आठ साल अच्छा ये तो पाकिस्तान में ऐसी है बिल्डर आठ साल कई बिल्डर भाग गए बैंक हो गए कई लोगों के पैसे डूब गए कोर्ट में केस चल रहे हैं कुछ पता नहीं कब क्लियर होगा तो अनसिक्योरिटी बहुत है इसलिए इंडिया में कई लोग रेंट पे रहना पसंद कर लेते हैं कंपेयर टू यू नो प्राइवेट बिल्डरों पे तो वहां पे गवर्नमेंट के घर है स्कीम है तब तो ठीक है लेकिन प्राइवेट बिल्डरों का जो रेपुटेशन है वो जिसका अच्छा है वो तो फिर बहुत प्रीमियम चार्ज करते हैं लेकिन जो छोटे बिल्डर्स है उस पर कोई इंडिया पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है दुबई पे आप कोई नया बिल्डर है उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हो बिल्कुल क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जो है है, 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 पॉलिसीज वो बहुत और जो है। रेरा दुबई में है वो अब इंडिया में भी रेरा आ चुका है आखिरी पांच छह सालों से उसके वजह से इंडिया के भी अब डेवलपर्स रेगुलेशन की वजह से लाइन में आना शुरू कर गए लेकिन फिर भी वो एफिशियंसी नहीं है और मेरा सबसे बड़ा मसला है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इंडिया की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आपको सीपिंग मिल सकती है सीपिंग मतलब आपको पानी आएगा तो आपकी पेंट खराब हो जाएगी वॉल डैमेज हो सकती है क्रैक्स आपको दिख सकते हैं इंडिया में वॉल्स में पुरानी बिल्डिंग्स में या कई बार नई बिल्डिंग्स में भी कई दफा कहीं कहीं क्रैक आ सकता है कहीं कहीं आपका पेंट निकल जाएगा नई बिल्डिंग्स में नई बिल्डिंग्स में भी कहीं कहीं कुछ साल के मतलब विद इन अयर और टू कुछ आपको डैमेजेस दिख सकते हैं लेकिन दुबई में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको बिल्डिंग अगर उन्होंने कुछ पांच साल दस साल का कुछ टर्म दिया है तो उस उस टाइम के अंदर आपको कुछ डैमेज दिखे उसके लिए सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो एक मेजर रीजन है सेकंड चीज़ है दुबई का वेदर यहाँ पे बारिश नहीं होती तो अभी तक तो हम नेगेटिव सोचते थे यार बारिश नहीं होती बहुत गर्मी है लेकिन इसके वजह से बिल्डिंग में दरारे नहीं आती है बिल्डिंग में सीपेज नहीं होती पानी नहीं आता

इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है सिक्योरिटी है बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही है तो और गवर्नमेंट फिर ये नहीं कि वो बिल्डिंग कंप्लीट अगर मान लो किसी बिल्डर ने नहीं की डेवलपर ने नहीं की तो वो किसी और से करवाएगी वो बिल्डिंग आपको कंप्लीट करके देगी और मान लो कोई डिले हुआ तो जितना डिले होगा और आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है आपने मान लो एक दो मिलियन डीरम या दो तीन करोड़ लगा दिए तो आपको उस, उसका इंटरेस्ट मिलेगा कि आपका ये बिल्डिंग एक साल डिले हो गया आपको एक साल का रेंटल नहीं आया तो ये भी दुबई गवर्नमेंट के लॉज में है कि आप एक

पाम जो मेरा है है मिनट के अंदर आपका मरीना है, बिल्कुल तो और जो अल एयरपोर्ट जो जो अभी नया है, है, हाँ। है वो भी मिनट और बाकी जो डाउन टाउन आधा घंटे की ड्राइव है तो स्टूडियो स्टूडियो लिया था पर मैंने ऑफलाइन है वो बन जाएगा मार्च ट्वेंटी नहीं। हाँ. आपको पर देंगे, दो महीने तीन महीने का डिले आ सकता है एट मैक्स छह महीने का डिले आ सकता है इससे ज्यादा डिले नहीं आएगा और अच्छा डेवलपर होगा तो वो तो टाइम पर ही देगा आपको हाँ तो मुझे तो लगता है कि टाइम से पहले ही हो जाएगा जिस स्पीड से काम हो रही है राइट 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 अच्छा यार प्रॉपर्टी का एक फायदा ये भी है ना कि यहाँ पर आप अराउंड uh, इस वक्त कोई सात लाख uh, आठ लाख गर्म की प्रॉपर्टी लें तो आपको बैंक अकाउंट भी uh, आपका ऑप्शन मिल जाता है मेरे ख्याल से वीजा के भी जो ना जो रेगुलेशन है वो चेंज हुए हैं वन मिलियन तक हो गया है अगर आप करते हैं तो आपको अकाउंट तो आपको हर प्रॉपर्टी के साथ ही मिल जाएगा नॉन रेसीडेंट नहीं वैसे वैसे वैं वैंक मुश्किल होता है

बैंक अकाउंट खुल गया था मेरा से? बैंक अकाउंट खुल गया अच्छा हाँ। टाइम लगा दो तीन हफ्ते लगे एमरेट्स एनबीडी तो रहते हुए खुल गया था यहाँ आए थे यहाँ मैं आया था हाँ।

दुबई इंटरनेट सिटी है शारजा में फ्री जोन है hmm. जबल अली में फ्री जोन है hmm. रसल खाइम में फ्री जोन है तो यहाँ अलग अलग फ्री जोन बने हुए हैं hmm. दस से बारह मेजर फ्री जोन है right. दुबई सिलिकॉन एन ओवरसीज है तो कोई भी फ्री जोन से आप एक फ्री वीजा ले सकते हो उनसे डायरेक्टली ले सकते हो या फिर बहुत सारे एजेंसीज एंड कंपनीज भी है जो आपको फ्रीलांस वीजा दे देती हैं या कई कंपनीज ऐसा भी कर रही हैं कि वो फ्रीलांस वीजा उनके पास कोटाज होते हैं तो वो सेल कर देती है और आपको एनओसी दे, दे देती है कि आप किसी और के साथ काम करो ठीक है और है। इसका मैं कॉस्ट भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ओपन चीज है जनरल अवेलेबल है तो अगर आप शारजा या अजमान की तरफ जाए तो आपको पाँच हजार में भी फ्रीलांस वीजा पांच छह हजार में मिल जाएगा आपको दुबई में लेना है या अबू धाबी में लेना है तो थोड़ा एक्सपेंसिव है वही चीज सात आठ हजार डीरम की हो जाती है दो साल का वीजा मिलता है ये ये दो साल का है पहले तीन साल का था अब दो साल का हो गया राइट right. और एक एक जो ग्रीन इसमें कुछ है, और है। भी है मेडिकल और कुछ और कॉस्ट भी होते हैं तो जो टोटल ये पैकेज होता है कुछ कंपनीज एजेंसीज वो नौ दस हजार डीरम तक का पैकेज बन जाता है लेकिन इसमें अब जो नए वीजा हैं वो आ, इसके अंदर जो फ्रीलांस वीजा जिसे कहते हैं वो आपको इससे काफी कम कॉस्ट में बन जाता है वो मैंने सुना है की

दो मिलियन डीम से ऊपर की प्रॉपर्टी ले लो और फिर आपने पेमेंट पूरा कर दिया तो आपको वो दे देंगे या फिर जैसे आपने अभी देखा होगा कि, कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इंडिया से उर्वशी थी इवन मैंने सुना है धोनी के को भी ऑफर किया गया था गोल्डन वीजा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ऑफर किया गया जो भी बॉलीवुड से हैं या किसी स्पेशलिटी फील्ड से हैं। अभी पाकिस्तान के क्रिकेटर है नसीम शाह उनको मैंने देखा था कुछ दिन पहले इवन को तो, मिला है तो अलग अलग कंट्रीज के जो रिनोन लोग हैं जो किसी फील्ड में कुछ अचीव कर रहे हैं उनको गोल्डन वीजा मिल रहा है या जो एक तरीका है अगर आपकी इनकम तीस हजार डीरम से ऊपर है और आपने छह महीने से ऊपर काम किया है तो आप एलिजिबल हो चाहे आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट हो और आप आपके आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स है और आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है हुँ. तो आप उसमें कुछ एज लिमिट है पच्चीस या तीस साल का हुँ. वो आप चेक कर सकते हो इनकी दुबई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और आपको ग्रेजुएशन ग्रेजुएट किए हुए से एक साल से कम या दो साल से कम हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो सही इसके अलावा भी इवन uh, इंजीनियर्स को uh, अगर आप इंजीनियर हैं और आप यूएई में काम कर रहे हैं या पता नहीं काम नहीं भी कर रहे लेकिन अगर आपकी इंजीनियरिंग डिग्री degree... निकल आती है यू ए की निकल आती है जो कि बहुत आराम से निकल आती है तो उस केस में भी जो है आपको गोल्डन वीजा मिल सकता है इंजीनियर को डेटा साइंटिस्ट को बहुत को भी अलग से आ, दे हैं। हैं। तो ये थोड़ा सा आप वर्किंग करेंगे ना तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी कैसे तो आप करेंगे अप्लाई जैसे ही आपके छह महीने पूरे होते हैं क्योंकि छह महीने का टाइम होता है जो मैं करना चाहूंगा क्योंकि आगे जाके फैमिली हो वाइफ हो आप अपने वाइफ को स्पॉन्सर कर सकते हो फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो अपने स्पाउस और वाइफ को अगर आपके बच्चे हैं तो आपकी पूरी फैमिली फिर दुबई में हो सकती है और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप दुबई में नहीं भी रह रहे हो मान लो आप दुबई आए लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर कोई और कंट्री में कनाडा में यूएस में यूरोप में या आपको किसी मसले से अपने घर जाना पड़ गया आप एक दो साल दुबई में नहीं भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्डन वीजा आपका दस साल के लिए वैलिड है क्योंकि रेजिडेंसी का प्रॉब्लम ये होता है नॉर्मल रेजिडेंसी का कि उसमें आपको छह महीने के अंदर आना पड़ता आना पड़ता है बिल्कुल तो आप इसमें एक साल दो साल तीन साल जितने दिन के लिए भी आप ना आए दुबई तो कोई और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी और कंट्री में रहते हो वहाँ जॉब करते हो लेकिन दुबई का गोल्डन वीजा है तो आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट रखी हुई है और आपके पास एक और कंट्री का ऑप्शन है और ये दस साल बाद ये जितना जितना पता है ये उसके बाद एक्सटेंड भी होगा तो इनकी फीस होगी कुछ फीस, फीस होती फीस है फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि अगर दस साल के वीजे के हिसाब से देखें तो फीस बहुत ज्यादा नहीं, नहीं है कुछ तो तीन हजार के फीस है टोटल जो कॉस्ट आती है ना सब कुछ मिलाकर वो तकरीबन तक चार हजार अगर आप मेडिकल सारे सब कुछ मिला लो तो, तो लेकिन जो रिन्यूअल के टाइम पर ऑफ कोर्स आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी उस टाइम पर क्या एलिजिबिलिटी होती है वो डिफरेंट होगा लेकिन दस साल का तो वीजा मिल गया ना आपको दस साल बहुत बड़ा पीरियड होता है जिसमें आप right. बहुत कुछ कर सकते हैं right. तो राइट right, तो गोल्डन वीजा इज वेरी गुड एक्चुअली अगर किसी yeah. को यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सोचना है दुबई हाँ. का और नहीं भी सोचना तब भी ये रीजन ऐसा है ये, ये दुबई ऐसी जगह है कि अगर आपका एक तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आप यूएई का वीजा लग जाता है तो आपके लिए और मुल्क भी खुल जाते हैं बिल्कुल क्योंकि आपको जॉर्जिया वगैरह ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है जो हाँ, कि जा सकते हैं ऑन अराइवल तो नहीं होगा लेकिन ई वीजा है ई वीजा मिल जाता है वो शायद इंडियंस के लिए होगा वो उसके लिए हमारे लिए नहीं है पाकिस्तानी पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है लेकिन जैसे अजहरबाइजान है अजरबाइजान को तो खैर वैसी ई वीजा है लेकिन जॉर्जिया के लिए वीजा ऑन ऑनराइवल्फ की सारी कंट्रीज गल्फ की सारी कंट्रीज आप बगैर वीजा के जा सकते हो तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं गोल्डन वीजा इवन अगर आपके पास रेसिडेंसी और आपको यूरोप जाना है शेनिंग जाना है यूएस जाना है कनाडा जाना अगर आप दुबई से अबू धाबी से अप्लाई कर रहे हो यूएई तो आपको प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है इजीली हाँ, हाँ, मिल जाते हैं उतने मसले नहीं होते कंपेयर टू तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान से कर रहे हो तो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा और बहुत सारे चीजें चेक होंगी राइट राइट अच्छा यार मनप्रीत अब वी आर टूवर्ड्स ऑलमोस्ट हमें ऑलमोस्ट डेढ़ घंटा हो गया इस पॉडकास्ट को मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही हो जाएगी और एडिट करने में देखते हैं कितना टाइम निकलता है लेकिन एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि फ़ूड का क्या सीन होता है जब बाहर जाते हो तो पाकिस्तानी फूड तो पाकिस्तान जब इंडिया से निकले पहली दफ़ा और पाकिस्तान फूड देखा तो कैसा लगा मतलब लग पता था कि इस तरह का कुछ सीन बनेगा आ, मैं जब न्यूयॉर्क गया तो मेरी पहली फ्लाइट ही न्यूयॉर्क की थी उसमें लैंड हुआ तो मैं पहले सोच रहा था कि फ़ूड कैसा होगा लेकिन मैं जब न्यूयॉर्क गया तो मैंने देखा कि इंडियन और पाकिस्तानी फ़ूड काफ़ी अवेलेबल था और वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की, की कम्युनिटीज बनी हुई है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और लोग हैं और टिफ़िन सर्विसेज भी हैं इवन तो फूड का कभी ऐसा मसला हुआ नहीं है बहुत ही यू uh, नो you know, अच्छा फूड मिलता है और अगर आप देखोगे और इवन अभी दुबई में भी मैं आया हुआ हूँ तो दुबई में uh, लाल किला एक रेस्टोरेंट है बिल्कुल जो काफी फेमस है तो, तो मैं, हाँ। मैंने देखा कि काफी पाकिस्तानी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो सिमिलर किस्म का टेस्ट सिमिलर किस्म के टेस्ट मिलते हैं और आपको तो वो मसला भी नहीं होगा ना वेज का और नॉन वेज का तो वो फिर खुल के खा सकते हैं लोगों को ये मसला होता है इंडिया से जो होते हैं वो वेज ढूंढ रहे होते हैं हाँ, बिल्कुल तो, बट मैं जब पाकिस्तानी फूड देखता तो वहाँ पे दाल भी मिलती है और सबसे अच्छी चीज़ जो 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 डेजर्ट्स हैं खीर खीर है जो खीर बनता है या हलवा बनता है तो वो भी काफ़ी अच्छा है और अलग अलग तरह की चीजें तो मैंने मैंने तो एक डेरा करके काफी फेमस रेस्टोरेंट है हाँ, मैं अक्सर जाता हूँ अपने फ्रेंड के साथ हाँ, 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 तो एक अच्छा रेस्टोरेंट है जो इसकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है तो इस तरह के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे

नॉर्मल फैंस तो क्या इवन जो इन्फ्लुएंसर्स थे या यूट्यूब पे लोग थे इवन जो आर्टिस्ट थे उनको भी कोई वीज़ा नहीं मिला तो वो हाँ ये एक मसला है जो पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना जो कि बाहर ही रहते हुए हो सकता है अगर मैं मेरे कुछ फैमिली इंडिया में रहती है तो अगर उनसे कभी मिलना हो हमारे मेरे फादर मेरे ख्याल से लास्ट टाइम नाइनटीन में गए होंगे वो उसके बाद से नहीं गए वो कभी भी तो अगर वो जाते और हम भी जाते अपने कजन से मिलते हैं वहाँ पर तो वो सिनेरियो डिफरेंट होता वो लोग लो मेरे ख्याल से से लास्ट टाइम में आए थे उसके बाद हमारा कोई कनेक्शन ऐसा मिलने में नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि दुबई में मिलते हैं वो लोग बिल्कुल यहाँ पर आके हाँ, को दुबई को लगा में लंदन में सिंगापुर हाँ, में थाईलैंड हाँ, हाँ, था ऐसी जगहों पे मिल सकते हैं आप जो है ना इंडिया में रहते हुए पाकिस्तान में रहते हुए नहीं मिल सकते तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है क्योंकि फैमिली स्प्लिट हुई थी ना तो वो फैमिली जो है ना नहीं मिल पाती हैं तो ये एक मसला है जो कि आई डोंट नो कि कैसे सॉल्व होगा लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एटलीस्ट जो लोग थोड़ा बहुत भी है बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर हैं एक्टिव इंडिया में भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो हमें जो है ना ये कनेक्शन की बात करनी चाहिए रादर दैन जो गवर्नमेंट्स या और हमारी जो जो जो, जो लोग पावर में हैं वो लोग बात करते हैं रादर दैन डूइंग दैट हमें कनेक्शंस की बात करनी चाहिए क्योंकि मैं देखता हूँ हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की बातें करते हैं डिफरेंसेस होते हैं लेकिन जो मैं कोलीग्स को अपने ऑफिस में देखता हूँ एक कि हाँ। कि अगर कोई दिल्ली या चंडीगढ़ या इंडिया की लड़की है और उसके साथ अगर आप कोई लाहौर की लड़की हाँ। या रावलपिंडी की लड़की होगी और दोनों ने अगर एक जैसे कपड़े पहने हैं सूट या जो हमारे हाँ। यू नो पंजाबी ड्रेसेस पहनी हुई है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन इंडिया से कौन पाकिस्तान से है बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चलेगा क्योंकि कि जो कल्चर इंडिया में है दिल्ली में अमृतसर में या नॉर्थ में वो वही है और जो कल्चर जो मुंबई में या जो उधर है वैसा आपको कराची में भी देखने को मिलेगा तो काफी सिमिलरिटीज है आपने बताया था कि आपको थोड़ा सा ए, एक सरप्राइज मिला था कि आपको पता चला था कि पाकिस्तान में भी रहते हिंदू हिंदू है।, है और पाकिस्तान में भी हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं। जो मेरे लिए हाँ। कल्चरल शौक था जो मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में काफी हिंदू लोग रहते हैं काफी माइनॉरिटीज हैं नहीं इस तरह से वही ना ये जब तक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक आपको ये चीजें नहीं पता चलेंगी अगर आना जाना हो रहा होता तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होती क्योंकि आपको स्टोरीज पता आप खुद नहीं जाते तो आपको स्टोरीज पता चल मुझे है। लगता है इस कंफ्लिक्ट की वजह से जो पंजाबी लोग हैं जो इंडिया के पंजाबी है पाकिस्तान के पंजाबी है या जो सिंधी कम्युनिटी है जो काफ़ी स्ट्रांग है जो पाकिस्तान के सिंध में रहती है या जो इंडिया के गुजरात राजस्थान और डिफरेंट पार्ट्स में या जो वर्ल्ड ओवर रहते हैं तो ये काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं कि कल्चरली सेम जगह से लेकिन फिर भी बिल्कुल तो अच्छा मैंने देखा है इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबी तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ऑलमोस्ट सेम है तो लेकिन जो सिंधी है वो उनमें डिफरेंस नज़र आता है मुझको वो जो हमारे यहाँ के सिंधी हैं वो लैंग्वेज भी सिंधी बोल रहे होते हैं जबकि मैंने इंडियन सिंधी देखा है वो प्रॉपर हिंदी बोल रहे होते हैं सही से उसका रीजन ये है कि जो सिंधी जो सिंध में रह गए वो तो आपका सिंध स्टेट है हाँ। इंडिया में कोई सिंध स्टेट नहीं है तो इंडिया के जो सिंधीज है वो मोस्टली आए तो वो कुछ मुंबई आ गए हाँ। कुछ दिल्ली रह गए हाँ। कुछ गुजरात और राजस्थान के अलग पार्ट्स में चले गए कुछ मध्य प्रदेश में इंदौर और उसके आसपास आ गए तो सिंधी कम्युनिटीज काफी बढ़ गई और इंडिया में क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है तो उन्होंने हिंदी अडॉप्टी कर ली इवन अगर आप जैसे मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ आप पंजाब के साइड जाओगे तो वहाँ लोग पंजाबी ज्यादा बोलेंगे हिंदी कम बोलेंगे हुँ, तो पंजाब के लोग तो फिर भी पंजाबी उनकी रिस्टोर्ड है लेकिन सिंध के लोगों में ये है कि हाँ सिंधी जो ट्रेडिशनल है जो फैमिलीज हैं उन वो बोलते हैं लेकिन क्योंकि सिंधी फैमिलीज भी इतनी डाइवर्स हो गई है वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग सिटीज में तो वो रूट्स की बात हो जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं बट ये चीज पे फोकस करना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को कि अपने रूट्स से जुड़े रहे अपनी लैंग्वेज से कल्चर से फूड से वो चीज़ कभी नहीं जाए सही सही चले यार मनप्रीत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और होपफुली ये पॉडकास्ट जब जाएगी और क्लिप्स जब जाएंगे तो लोग अक्रॉस द बॉर्डर भी देखेंगे क्योंकि मेरी भी भी वैसे ऑडियंस है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट मुझे यूट्यूब पे इंडियंस भी देख रहे होते हैं तो होपफुली उनके लिए भी एक अच्छा इंट्रैक्शन नज़र आएगा उनको कि पाकिस्तानी इंडियन हम लोग जो है ना कोलाबरेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए बहुत सारे लोग करते भी, भी हैं लेकिन दुबई में रहते हुए बहुत आसान हो जाता है ये कोलाब्रेशन करना तो आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक कि आप आगे के लिए जो भी काम कर रहे हैं उनको अच्छा लगे और आगे आपको गोल्डन वीज़ा मिले और जो भी चीज़ें आप करें तो उसको शेयर करते रहें हम लोग इंस्टाग्राम पर होते हैं तो इंस्टाग्राम पर जरूर मुझसे शेयर कर लिया करें चीज़ों को चले यार थैंक यू वैर okay, मैच जी थैंक यू मिलते हैं थैंक यू